श्री गुरु चरण सरोज रहे, निज मन कुल सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिउर लाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम्हरो यश गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कह सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्री का मिली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे केते। राम दुआरे तुम्हर रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान झोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप सियावर। रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। Oh,
बाप राम कथा के तीसरे दिन प्रारंभ है। इस तीर्थमयी भूमि को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सभी पूज्य चरण, समाज के विभिन्न वर्गों से आए आदरणीय महानुभाव, आप सभी मेरे सामने जो बैठे हैं और टीवी के सामने जो बैठे हैं देश विदेश में, वो सभी मेरे श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। इस राम कथा में मानस के बालकांड की दो पंक्तियां केंद्र में रख करके हम रामचरितमानस की कुछ चर्चा कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा कलियुग में काम दुर्गा गाई है। गाय का एक रूपक बनाया गोस्वामी जी ने मानस को समझाने के लिए। अब जब गाय होती है, एक स्थूल रूप में गाय को हम देखते हैं, तो कुछ मुख्य अंग पर दृष्टि जाती है। गाय के चार पैर, फिर गाय का हम दूध के लिए दोहन करते हैं, फिर देहात हो या नगर हो, इसी दूध का पान भी करते हैं और बचे हुए दूध को जमाते हैं, फिर उसको दूसरे दिन मथ करके उसमें से नवनीत निकालते हैं मक्खन, और फिर मक्खन को तपा करके इनमें से हम घी प्राप्त करते हैं। एक प्रक्रिया है। अब पूज्यपाद गोस्वामी जी रामचरितमानस को जब गाय का एक रूपक देकर समझाना चाहते हैं, तब प्रश्न ये उठता है कि रामचरितमानस रूपी गौ के चार पैर कौन है? और संतों ने जवाब दिया, बिल्कुल सीधा साधा और सटीक जवाब, चौपाई ही चार पैर है। चौपाई का अर्थ ही है चार चरण।
मानस की आप दो पंक्ति, जैसे ये दो पंक्ति हम लिए हैं, राम कथा कलिकामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, एक पंक्ति में दो चरण, फिर सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी तीसरा, और भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी चौथा, एक चौपाई का चार चरण, यही राम कथा रूपी काम दुर्गा गाय के चार चरण है। फिर गाय घर में होती है तो हम उसको दोहते हैं, उसको दोहा जाए, उसका दोहन किया जाए। मानस में आठ आठ करीब करीब आठ आठ पंक्तियों के बाद उसका दोहन दोहा के रूप में आता है, दोहा उसका दोहन है, गाय को दोहो, गाय को दोहा जाए, गाय का दोहन किया जाए, उसी को संत लोग दोहा कहते हैं। फिर दूध प्राप्त करके उसका उपयोग करके बचे हुए दूध को हम जमाते हैं। संतों ने कहा कि सोरठा जो कहीं कहीं आता है वो रट करना, वो दूध को जमाना है, वो दूध का जमना है। फिर कोई सदगुरु की कृपा से उनके चरण में बैठकर उनका कृपा पात्र बनकर इस जमे हुए दही को मथे, मुदिता मथे विचार मथानी, विचार से मथा जाए, फिर उसमें से संत के हृदय के समान सुकोमलता रूपी घी नवनीत पैदा होता है, मक्खन पैदा होता है, और फिर उसको तपा करके उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक छंद प्रबंध है, छंद उसी का काम करते हैं, उसकी एक प्रक्रिया से गुजरना होता है कि दूध में खटाई डालो, उसको जमाओ, फिर मथो। ये मानस में कहीं कहीं आते छोटे बड़े छंद प्रबंध है जो मथने का काम करता है, और फिर घी जो निकलता है वो रामचरितमानस के मंगलाचरण के श्लोक है, श्लोक घी है। तो ये रूपक इस तरह समझा जा सकता है संतों की भाषा में। अब गोस्वामी जी एक रूपक गाय के बारे में उत्तरकांड में कहते हैं कि गाय श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा अधेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा अधेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस। त्रिविधा भवती श्रद्धा, भगवत गीताकार कहते हैं व्यक्ति की श्रद्धा तीन प्रकार। देखो आदमी श्रद्धा से बना है, पुरुष श्रद्धामय है, पंचभूत का तो स्थूल शरीर है लेकिन इस शरीर में रहने वाला पुरुष श्रद्धा से बना। कई विद्वान लोग विश्वास की आलोचना करते हैं, कभी श्रद्धा की आलोचना करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दो सूत्र आलोचना करने योग्य है, भजने योग्य है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानों में दार्शनिकों में जिसकी आज इस सदी में गिनती हो रही है, ऐसे कृष्णमूर्ति को किसी ने पूछा कि विश्वास के बारे में आपकी राय क्या है, उसने बड़ा सटीक जवाब दिया, ग्राह्य है ये जवाब मेरी समझ में। वो कहते हैं विश्वास की बहुत जरूरत है, कृष्णमूर्ति लेकिन विश्वास दो प्रकार का है, एक अहम पूर्ण विश्वास, दूसरा अहम शून्य विश्वास। विश्वास तो रहेगा ही, विश्वास अनादि है,
विश्वास अजन्मा है क्योंकि शंकर है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप शिव है विश्वास। शायद के धर्म ने ऐसा विश्वास को इतने ऊंचे शिखर पर चढ़ाया हो शंकर कहकर। विश्वास शिव है लेकिन दो प्रकार के शंकर में दोनों रूप देखोगे आप। अहम पूर्ण विश्वास भी है शिव में क्योंकि अहंकार शिव समष्टि का अहंकार भगवान शंकर है। अहंकार शिव बुद्धि अज ये जो सूत्र मानस में आया और शंकर जैसा अहम शून्य कोई है भी नहीं। तो अहम पूर्ण विश्वास और अहम शून्य विश्वास। देखो मैं ऐसा मानूं कि मैं कथा ठीक कर रहा हूं कह रहा हूं मुझको अंदर उतार कर कह रहा हूं आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसा मान लू कि मैं कथा ठीक कह रहा हूं मेरी कथा बिल्कुल ठीक है। मैं कथा को न्याय दे रहा हूं ये सब अच्छी बात है लेकिन ऐसा शब्दों में कुछ भी बोलो शब्दों की कोई बात नहीं है लेकिन आंतरिक भाव यदि मेरा ये बना रहे तो ये विश्वास है कि मैं ठीक कथा कह रहा हूं। ये विश्वास है अवश्य मैं तुलसी को न्याय देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ये मेरा विश्वास है लेकिन अहम पूर्ण विश्वास है। मैं बोलू यही शब्द कि मैं कथा को न्याय दे रहा हूं ठीक कह रहा हूं तुलसी को बिल्कुल कोट कर रहा हूं बिल्कुल उसकी मर्यादा में बोल रहा हूं लेकिन उसके पीछे मेरे मैं में केवल और केवल गुरु कृपा झलकती हो तो मेरा यह विश्वास अहम शून्य। मैं एक और दृष्टांत दूं कानन का अथवा तो इस सुरभि संस्थान में काम करने वाले सभी कार्यकरों का इनमें से कोई ये माने कि यहां की संस्था में हम ठीक काम कर रहे हैं और दिखाई देता है ठीक काम हुआ है। मैं खबर नहीं कब आया था पहले यहां 2-4 साल हो गए तब तो क्या था यहां और आज हर प्रकार की एक चमक एक अच्छा स्वरूप ले लिया है लेकिन ये हमने किया ये उसने किया ये सबने किया ये उनका विश्वास है। विश्वास नहीं होता तो ये नहीं बनता लेकिन अभी जैसे मैंने मेरा दृष्टांत दिया उसी तरह यदि उसके पीछे हमारा यही भाव रहे कि हम न होते तो शायद ये न होता मुरारी बापू न होते तो शायद ये कथा न होती ये अहम पूर्ण विश्वास। लेकिन निमित मात्रम भव सभ्य हमसे हुआ उसका आनंद होना चाहिए साहब लेकिन हम में कोई उतरा है साहब शास्त्रों में पढ़ा है कथन किया है सुना है कि हमारे यहां एक प्रयोग होता है परकाया प्रवेश। वक्ता यदि अहम शून्य हो जाए ना तो उसको अनुभव होता है कि परकाया प्रवेश हो रहा है। एक कार्यकर जब अहम शून्य होता है तो कोई ना कोई यदि आप औषधि की बात करो तो धनवंतरी आप में उतरेगा। यदि आप किसान होने की बात करोगे तो आपकी काया में हलधर उतरेगा परशुराम उतरेगा। विश्वास के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता बिनु विश्वास तुलसी कहते भक्ति विश्वास के बिना हो ही नहीं और भक्ति के बिना जगत जी नहीं सकता चाहे कोई भक्ति शब्द को स्वीकारे न करे। एक विद्वान को अपने ग्रंथ पर स्नेह है तो वे भक्ति हो गई। राम पर भले स्नेह न हो कृष्ण पर भले न हो भक्ति के बिना यहां चलेगा ही नहीं साहब।
आज किसी युवान ने मुझे एक प्रश्न पूछा है कि बापू प्रेम की मौसम कौन? अरे उसकी कोई मौसम होती नहीं, प्रेम जब करो वसंत ऋतु आ जाती। मोहब्बत करने वाले जून में भी दिल में दिसंबर देखा करते हैं। अब करते का तो देखो यारो, मोहब्बत करने वाले जून के धूप में, मोहब्बत करने वाले जून में भी दिल में दिसंबर दिखा करते हैं। कुंवर बेचन, उसके ही दो बिल्कुल छोटी बहन की गजल के ही दो पंक्तियां, जिन्होंने जहां वसंत ऋतु, ये दो चित्र देखिए, माँ जानकी और हमारे ठाकुर जब पुष्प वाटिका में जाते हैं तो मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी प्रेम का एक डिम डिम नारा लगाकर कहते हैं, जहां वसंत ऋतु रही नुहाई। इस पुष्प वाटिका में, इस प्रेम वाटिका में, पुष्प वाटिका से ज्यादा प्रेम वाटिका शब्द अच्छा। पुष्प तो कभी मुरझा सकता है, प्रेम कभी मुरझा न सके, और मुरझा जाए वो प्रेम नहीं था, कहीं न कहीं मोह रहा होगा। प्रेम वाटिका मानस की, ये प्रेम वाटिका अवसर सीता तहुआ गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, अवसर अभिप्राय यह है। युवक भाई बहन को जिसने, एक भाई ने पूछा है, छात्र है कॉलेज का, उसने पूछा है कि बाबू प्रेम का फूल, हम यहाँ आ रहे थे, राधेश्याम जी हमको ओशो की कैसेट सुना रहे थे गाड़ी में, कार में, कभी कभी राधेश्याम जी और उस सब साथ में होते हैं तो इसे लगा देते हैं किसी न किसी महापुरुष की कैसेट, तो सुन लेते हैं। वैसे तो कृष्णायन में भी काजोल वैद्य ने ये बात, लेकिन अब जो है तो उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे कि प्रेम का फूल कहीं भी खिल सकता है, कभी भी खिल सकता है, किसी के लिए भी खिल सकता है। हम लोगों ने प्रेम को दो व्यक्ति के बीच में गिरफ्तार कर दिया है, तब से प्रेम बदनाम हुआ। तब से प्रेम में मालकियत आ गई, मैं जिसको प्रेम करूं वो किसी से प्रेम न करे और वो भी किसी से प्रेम न करे, मालकियत। और मालकियत मोह कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता, सीधी सी बात, किसी के लिए भी। और उसको ये प्रेम किसी के लिए कभी भी कहीं भी जो खिलने के लिए तैयार है, खुलने के लिए, उसको कोई एक व्यक्ति दबाना चाहे तो वो उसके लिए भी नहीं खिल सकता, जो उसको गिरफ्तार करना चाहेंगे उसके लिए भी वो प्रेम नहीं खिल सकता। लेकिन लोगों की क्या है कि हमारा जो हो, लेकिन हमको प्रेम करने वाला कभी दूसरे से प्रेम करना ही नहीं चाहिए, बस यही इंसान। यहाँ प्रेम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वो मानस का प्रेम है, परम प्रेम पूरन दो भाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आजकल जो लोग प्रेम की बातें करते हैं वो बहुत सामान्य स्तर, छोड़ो उसमें नहीं जाना है, लेकिन प्रेम कि कौन मौसम है, मोहब्बत करने वाले जून में भी दिल में दिसंबर देखा करते। कुंवर साहब ने बड़ी हल्के मूड में, बड़े छोटे एकदम मानी लाइट मूड में कहा, लेकिन कितनी चोटदार बात दो पंक्ति में कह दी।
प्रेमी को गर्मी में ठंडक लगती है और ठंडक में गर्मी लगती है। सही में लगे तो बात करना, बाकी गीत गाकर मत फुसल जाना। बात मेरा कहने का मतलब है कि अहम पूर्ण विश्वास और अहम शून्य विश्वास, परकाया प्रवेश व्यक्ति में। अपने को जितना हम खाली करें इतना कोई उतरता है, शिष्य जितना अपने को रिक्त करे इतना सदगुरु उतरता है। सदगुरु राजी है शिष्य में उतरने के लिए। सदगुरु की समाधि भूमि में नहीं होती, अपने अधिकारी शिष्य में हुआ करते। भूमि तो एक स्थान है कि लोग वहीं से प्रेरणा ले, परिक्रमा करें, फूल चढ़ाएं, डगमगी दंडवत करें। असली सदगुरु की समाधि उसका अधिकारी शिष्य हुआ करता है, उसके दिल में वो बैठ जाता है। एक एकांत निजामुद्दीन औलिया की समाधि वैसे तो दिल्ली में है, लेकिन अमीर खुशरो में हुआ करती है, वहां हुआ कर। समाधिया इसी अर्थ में चैतन्य होती है। बाकी तो जमीन है, भूमि है, पत्थर संगे मरमर लगा दो अथवा तो दुनिया से किसी भी मूल्यवान पत्थर से समाधि, लेकिन आखिर में जड़ है। शिष्य में डूबा गुरु ही शिष्य की चैतन्य समाधि। आदमी को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि मेरा गुरु मुझ में उतरे, और शर्त इतनी है कि अहम शून्य विश्वास हो। हमारा विश्वास तो है ही, पूज नहीं अद्वैत सिद्धि के पुरस्कर्ता मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते कि भक्ति कई कई स्थानों से प्रकट होती है, उसमें से एक स्थान उसने बताया अभिमान जा। भक्ति अभिमान जा है, अभिमान से प्रकट होती। पढ़ने योग्य है सूत्र, 6-7 लक्षण बताए। आत्मजा भक्ति है, विप्रयोग से भक्ति, मिलन से भक्ति प्रकट होती है, वियोग से प्रकट होती है। खबर नहीं कितने कितने सूत्र आचार्य चरण ने लगाए, समझने योग्य। इसमें एक है अभिमान जा। वो कौन सा अभिमान? जिसका जवाब मानस देता है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं और रघुपति मेरा पति है, ये अभिमान जा भक्ति है। अहम शून्य भक्ति से प्रकट हुई ये घोषणा है। मेरे कहने का मतलब, मेरे भाई बहन, अहम पूर्ण जब हम विश्वास रखते हैं तब भी अच्छी बात है, चलो, लेकिन सदगुरु अंदर उतर नहीं पाएगा। अहम शून्य स्थिति में सदगुरु शिष्य में उतरता है। किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी वक्ता, किसी भी क्षेत्र के महानुभाव, ये मैं समझता हूं कि बोलना बड़ा आसान है, अहम शून्य में बोल दूं, लेकिन अनुभव बड़ा कठिन जटिल पड़ता है, क्योंकि हम आखिर इंसान है, कभी न कभी अहंकार पकड़ लेता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति अहम शून्य विश्वास पैदा करता है तब परकाया प्रवेश हो जाता है। कभी उसके शरीर में शंकराचार्य उतरते हैं, कभी बुद्ध उतरता है, कभी महावीर उतरता है, कभी मोहम्मद उतरता है, कभी जीसस उतरता है, आचार्य गण उतरते। जगह दो,
गोस्वामी जी ने बहुत गंभीरता से लिया है उत्तरकांड में, अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार एक ऐसा रोग है, बड़ा दुखद डमरुआ रोग। तो मेरे भाई बहन, विश्वास के बिना भक्ति नहीं और भक्ति बिना जगत जी नहीं सकता। आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमना भक्ति है? परिक्रमा भक्ति है। एक व्यक्ति आपको अच्छी लग रही है किसी भी रूप में, आप उनके अगल बगल में घूमते रहे, उनके बारे में सोचते रहे, ये भक्ति है। पूरा ब्रह्मांड भक्ति से चल रहा, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, भक्ति है। पृथ्वी के चारों ओर और ग्रह घूम रहे, भक्ति है। उनके इर्द गिर्द में कुछ और घूम रहे, यहां सब हम और आप सब व्यासपीठ के अगल बगल में घूम रहे, ये भक्ति है साहब। चाहे कोई बुद्धिमान कहे कि भक्ति ये वेवला वेड़ा छे, गुजराती शब्द है, उसको पता ही नहीं भक्ति का स्वाद क्या है। मोहब्बत करने वाले जून में भी दिल में दिसंबर देखा करते हैं साहब। एक बार कोई इस मार्ग में तो आए। लोग कह दे भक्ति या तो पखवाज बजाओ, कांसा पोकुट, नहीं ऐसा नहीं। हाँ जरूर उसमें अतिरेक हो गया होगा, गैलछा आ गई होगी, उसको निकाल दिया जाए। बाजरी बोई है उसके अगल बगल में बेकार घास निकला है तो उसको निकाल दो, लेकिन बाजरी की निंदा क्यों करते हो? तुमने आम का पेड़ लगाया, अगल बगल में बेकार घास है तो निकालो। इनकी जड़ें देखो, आम की शाखाएं देखो, पर्ण देखो, उसकी खुशबू देखो, आम रस पियो साहब। बिना भक्ति आदमी मेरी समझ में जी नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। शंकराचार्य भगवान तो शंकर के अवतार है साहब, और विद्वानों ने उसको परम दार्शनिक रूप में स्वीकार किया है, वो भी बिना भक्ति के नहीं रह पाए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, वो कहते कृष्ण मेरे कुल देवता है। शंकराचार्य कहते मेरे कुल देवता भगवान, शंकर का अवतार है वो, कुल देवता है। भक्ति ना होती तो क्षमापन स्तोत्र क्यों लिखते? भक्ति ना होती तो रत्न कल्पित मासनम हिमचलेश क्यों लिखते? जगत का कोई आदमी बिना भक्ति नहीं रह सकता। अभी कोई बहुत बड़ा भक्ति में नहीं मानने वाला, नहाए तो नहाएगा तो जरूर ना, रोज नहाना भक्ति है। अच्छे कपड़े तो पहनेगा ना, वो भक्ति है। दर्पण में तो देखेगा, भक्ति है। ये सब भक्ति के ही रूप है, बिना भक्ति। लेकिन केवल ऊपरी रूप भक्ति का नहीं है, एक भीतरी श्रृंगार भी भक्ति का है। तब कोई उतरता है व्यक्ति में, अहम पूर्ण विश्वास, अहम शून्य विश्वास। कृष्णमूर्ति का यह जवाब मुझे बहुत रास आ रहा है, इसलिए मैं उसको आपके सामने रख। तो सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई। गोस्वामी जी उत्तरकांड में एक रूपक लाते हैं कि व्यक्ति की सात्विक श्रद्धा गाय है। त्रिविधा भवति श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा गीता में, राजसी तामसी सात्विक। गाय में भी तीन प्रकार होते हैं। एक गाय बिल्कुल सीधी साधी, बहुत दूध देती है, बिल्कुल बच्चा भी उनके नीचे चला जाए तो सुरक्षित है, गंदगी नहीं करती, इतना सुंदर वातावरण, वो सात्विक गाय है। एक गाय तो गाय है लेकिन रोगिष्ट है, उसको दोहने से दूध तो निकलता है लेकिन वो दूध शायद रोग का विस्तार कर सकती है, उसको राजसी गाय कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। और एक गाय ऐसी होती है दूध तो देती है लेकिन सिंग बहुत मारती है, पैर उछालती, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। पैर फटकारती है, सिंग मारती है,
जख्मी कर देगी। ये तामसी श्रद्धा है। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं सात्विक श्रद्धा धैनु सुहाय। भगवान की कृपा से ऐसी गाय यदि साधक के हृदय में आ जाए, ये तो आध्यात्मिक गाय की बात आ गई, रामचरितमानस गाय। लेकिन हमें स्थूल गाय को देखना है। वो कामदुर्गा गाय का तो वर्णन पड़ा है। जो गाय है हमारे आपके पास जो घूमती रहती है, वो गाय, इनके आंचल, इनका पयस्थान, इनमें चार आंचल है, मुझे इतना ही कहना है आज। ये चार आंचल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। गोपालन करने वाले मेरे भाई बहन, किसान लोग, मजदूर लोग, मैं कल भिक्षा के लिए रात को गया तो वो आदमी कह रहा था मेरे पास बहुत गाय है, करीब कह रहे 30-40 गाय। गाय के आंचल चार, ये मेरी समझ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। और मेरी समझ में मानी, एक तो गोस्वामी जी ने कह दिया परम धर्ममय पय दुहि भाई। हम चार पुरुषार्थ में यकीन करते हैं, और कोई यदि अठाग्रह छोड़ दे तो सबको यकीन करना चाहिए, ऐसे ये सूत्र है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मेरे भाई बहन, स्थूल रूप में भी मैं कहना चाहूंगा कि गाय के चार आंचल केवल दूध ही नहीं देते हैं, हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी दृष्टि से गो से वो मुझे इसका आनंद है। हम छोटे थे तब हमारे परिवार में हमारी माँ, पिताजी, दादा एक गाय तो रखते ही थे, बचपन से एक गाय घर में रहती ही थी। अब तो भगवत कृपा से गाय की सेवा हो सकती है ज्यादा। एक गो भक्त मेरे पास आया चित्रकूट, मुझे कहा बापू आप कथा तो कहते हैं लेकिन आपको गायों के बारे में बहुत बोलना चाहिए, गाय बचनी चाहिए, गाय का बहुत वो होना चाहिए, गो दूध के बारे में, गो घी के बारे में, गो। इतना लंबा चौड़ा 15-20 मिनट का उसने प्रवचन झाड़ दिया। मेरे अगल बगल में कुछ लोग बैठे थे, बोले बापू आपको इतना बड़ा प्रवचन दिया। मैंने कहा मैं भी तो देता हूँ, इसलिए करेला कर्म ना बदला देवा पड़े। मैं तो 3-3 घंटे बोल लेता हूँ तो कभी कोई मुझे भी तो सुनाएगा। अब इतनी सलाह दी, इस दुनिया में सस्ती से सस्ती कोई चीज हो तो सलाह किसी को भी दो। फिर मैंने उसका बोलना बंद हुआ तब कहा कि आपने बड़ा बड़ा मार्गदर्शन किया हमारा, गाय के बारे में आपका क्या नॉलेज, आपने बहुत सुंदर सोचा है, मैं पूछ सकता हूँ कि आप कितनी गाय रखते हैं? बोले रखता नहीं, प्रवचन करता। रखता नहीं एक भी, बस लोगों को गाइड करता हूं, प्रेरणा देता हूं, प्रकाश देता हूं। मैंने कहा कि ठीक है महाशय, अच्छी बात है, हम आपके मार्गदर्शन के अनुकूल और सेवा कर सकेंगे गाय को, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम इतने गायों की सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक भारतवासी को गोबाल भी होना चाहिए और गोपाल भी होना चाहिए। हम गो की संतान है साहब। डार्विन भले कहे कि बंदर से इंसान हुआ, लेकिन मेरा देश का ऋषि तो कहता है कि गाय से इंसान हुआ है। हम गोबाल है, गाय की संतान, गोबाल शब्द आना चाहिए। गोपाल तो बहुत आया, गोपाल गोपाल गोपाल, ये हमारी बूढ़ी माता जी भी गोपाल गोपाल किया करते, कलकत्ते वाली है गोपाल, ये मुझे ऐसा कहते गोपाल। गोपाल शब्द अद्भुत है, गोपाल शब्द भी लाना चाहिए। हम गोपाल भी हों, लेकिन गोपाल होने से पहले सही में हम गोपाल हैं, गाय की संतान है, गाय के बच्चे हैं। विद्वानों ने कहा है कि इंसान की आंख देखिए और गाय की आंख देखिए, करीब करीब मिलती है। गरीब आंख है और इंसान की आंख भी, साधु संत की आंख भी बड़ी गरीब होती है। गरीब मानी दोष मुक्त, और क्या करे दोष, बाकी तो बड़ी तेज रखती है साहब। त्राटक करने वाले भी निगाह नहीं मिला सकते,
इतनी तेज होती है। नेत्राटिक वाले कहते हैं ना, आंखों से आंखों मिला। बाप गोपाल, इंसान पहले गोपाल हो जाए फिर गोपाल हो। जैसे हम माँ से जन्म लेते हैं तो उनके बालक हैं, वो हमको पोषती हैं, फिर हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी माँ का भी पोषण करें, हम उनका पालन करें। गोपाल और गोपाल का संयोग होना चाहिए। और जो गोपाल गोपाल हैं ऐसा महसूस करेगा तो गोपाल पना करेगा ही करेगा। लेकिन आज तो अपवाद भी तो बहुत है। ठीक है, समाज की जरूरत है तो वृद्धाश्रम होने चाहिए, लेकिन आज तो माताएं बूढ़े बुजुर्ग को हम, इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, समय के अनुकूल ठीक है कि बच्चा बेटा न रखे तो माँ बाप कहीं ऐसे स्थान में रहकर भजन करे तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई समाज का सुशोभन तो नहीं है, हा? ये कोई सराहने योग्य तो घटना नहीं है साहब मेरी समझ में। हमारे गुजरात के चीफ जस्टिस एक बार एक प्रवचन में मैं भी था कह रहे थे कि मैंने इतनी कोर्ट खोल दी, मेरी जब पोस्टिंग हुई गुजरात में तो इतनी कोर्ट मैंने, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फला कोर्ट, फला कोर्ट खोल दी। मेरी बोलने का बारी आई तो मैंने कहा कि बुरा मत लगाना जस्टिस महोदय, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इतनी कोर्ट नई नई पैदा करनी पड़े वो कोई संसार का सुशोभन नहीं है साहब। आप आते और कोर्ट खत्म हो जाती तो मानता कि हार्ट का स्थापन हुआ, ये कोई सुशोभन थोड़ा है। तो उसको जरा ठीक भी नहीं लगा। जब मैं निकला तो उसने प्रणाम भी, मैंने प्रणाम किया, उसने नहीं किया। मैंने कहा कभी मुझे मुझे क्या लेना देना है फिर उसने, तो बुरा लगा तो लगा, लेकिन जो सही है। एक भाई था तो एक मित्र उसको पूछता था कि भाई किसका खत पढ़ रहे हो? बोले मेरी माँ का पत्र आया। अच्छा, क्या लिखा है? मेरी माँ को मैं महीने में 1000 रुपया भेजता हूँ, तो माँ ने लिखा है कि बेटा कुछ ज़्यादा भेज, तो मैंने 1500 भेज दिया। अच्छा, ओ वाह। फिर ये पत्र छोड़ करके दूसरा उसने उठाया, उसने कहा कि ये पत्र किसका है? बोले मेरे पिताजी का है। उसने कहा 1500 देता है, 2000 कर। मैंने 2000 भेज दिया। अच्छा, कितना पितृपालक बेटा है। तो मित्र ने पूछा कि आप काम धंधा क्या करते हैं? मैं वृद्धाश्रम चलाता हूं। वृद्धाश्रम चलाने का गौरव ले रहा है, चलाने की जरूरत नहीं, उसकी माँ को मांगना ही न पड़े, बाप को मांगना ही न पड़े, और अपने घर में रख ले। कोई कोई बात समझ में नहीं आती, उल्टी होती है। नो बॉल हुआ क्रिकेट में, नो बॉल होता। एक भाई को पूछा कि पाने के बिना आदमी कैसे मरता है बता, पानी के बिना आदमी कैसे मरेगा? हाँ, तो बोले ये कोई पूछने की बात है, मर ही जाएगा, क्योंकि पानी नहीं है तो तरेगा कैसे? दूसरा नो बॉल, ये वाइड बॉल है। ये पूछने का कोई सवाल है? पानी नहीं तो तरेगा कैसे, और तरेगा नहीं तो मरेगा? बोले तरेगा नहीं तो कैसे मरेगा, तो पानी में डूब कर मरेगा। ये तीसरा वाइड बॉल। बाप पहले गोपाल होना जरूरी है, फिर हम गोपाल बने। अपनी जात को हम गाय की संतान समझे, ये हमारी माँ है, इस भाव से गाय को पालना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो गाय के चार आंचल जो दुग्ध देती है, इनमें से एक आंचल से धर्म प्राप्त होता है, दूसरे आंचल से अर्थ प्राप्त होता है। स्थूल अर्थ में लीजिए ना साहब, कि गाय के दूध से आदमी, मैंने पहले दिन भी कहा था कि गाय को हम नहीं पालते, गाय हमको पाल सकती है, निर्वाह कर सकती है, अर्थ प्राप्त होता है।
गाय की हर चीज अर्थ देती है, अर्थ रखती है, सार्थक है। गाय का तीसरा आंचल काम है। काम यानी जिस अर्थ में काम की चर्चा होती है, ये नहीं, जो हम कार्य करते हैं उसको भी तो काम कहते हैं ना। भाई क्या काम करते हो आप, बोले दफ्तर में। गाय का तीसरा आंचल हमको काम देता है, खेती करने को मजबूर करता है, किसानी कराने देता है। जो बिल्कुल कामहीन है, जिसके पास कोई कार्य नहीं है, उसको तीसरा आंचल कार्य प्रदान कर देते, कार्य आदमी को होने लगता है। और चौथा आंचल, इसी क्रम में यदि गाय की सेवा हो तो मोक्ष भी दे देता है। मोक्ष का मतलब खबर नहीं मोक्ष क्या है। मोक्ष का अर्थ यह भी हो सकता है कि तमाम चिंताओं से मुक्त मानस मोक्ष है। मन में कोई चिंता ना हो, ऐसी अवस्था 5 मिनट 10 मिनट आए समझना, जरा हम निर्वाण में घूम आए, जरा मोक्ष में हम लटार ले आए। हम तो 24 घंटों टेंशन में, ये मैं उपदेश नहीं रहेगा, हम सब साथ में एक ही जहाज के यात्री हैं हम लोग, इतना याद रखकर चलना। सतत चिंतन 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 सोचते ही रहते हैं हम सब। समस्त चिंताओं से मुक्ति, वो मुक्ति हो सकती है तो मोक्ष हो सकता है। संतों ने यह भी कहा, मोक्ष में मो और क्ष दो अक्षर हैं। किसी ने अर्थ किया कि मो माने मोह और क्ष माने क्षीण हो जाए, क्षय। जिसके जीवन में मोह का क्षय हो जाए वो मोक्ष है। नष्टो मोह, अर्जुन का मोक्ष है। जब कोई कहे, गरुड़ ने कहा, गय मोर संदेह, सुने उसकल रघुपति चरित भयो राम पद ने, मेरा मोह गया, एक गरुड़ का मोक्ष है। चिंताओं से मुक्त चित मुक्ति का यात्री है, मुक्ति के प्रदेश में घूमता है। अब 2-3 घंटे कथा कहते सुनते इतना समय तक भी चिंता से मुक्त मानस हो तो इतना समय तो मोक्ष का हो गया। चिंता से तनाव से मुक्त आदमी का चित, ये मोक्ष है। अतितान अनुसंधानम भविष्याद विचारणम औदासीन्यमपि प्राप्तम जीवन मुक्तस्य लक्ष्य। विवेक चुडामणि, विवेक चुडामणि का आप पाठ करोगे, पारायण करोगे तो पता लगेगा। जीवन मुक्त के लक्षण की बहुत भरमार चर्चा की है जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान। लेकिन यदि इन सब को निकाल करके मुझे जीवन मुक्ति की जो करीब व्याख्या पढ़ रही है वो यदि आपको कहनी हो तो मैं ये श्लोक कहूंगा, अतितान अनुसंधानम भविष्यात् विचारणम औदासीन्यमपि प्राप्तम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। बहुत सरल लेकिन बड़ा कठिन भी है। ऐसी दशा यदि हमारी और आपकी हो जाए तो हम जीवन मुक्त है। शरीर रह जाए और वासनाएं समाप्त हो जाए, उसको शरणानंद जी महाराज जीवन मुक्ति कहते थे। शरणानंद जी महाराज का सूत्र, शरीर रह जाए लेकिन वासना छूट जाए तो जीवन मुक्ति, और शरीर खत्म हो जाए और वासना बनी रहे तो मौत है। बाकी शरीर बने रहे लेकिन वासना मृत हो गई तो जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति की यही, इससे ज्यादा सटीक क्या व्याख्या हो सकती है। अतितान अनुसंधानम शंकराचार्य भगवान, जो भूतकाल के अनुसंधान में नहीं जीता, सभी सयाने एक मत, एक घड़ी के पहले जो गुजर चुका है उसकी जो चिंता नहीं करता, अतीत का अनुसंधान जिन्होंने छोड़ दिया है और भविष्य की विचारणा भी जिसने छोड़ दी है कि भविष्य में क्या होगा, वो चिंता औदासीन्यमपि
प्राप्तम। वर्तमान में जो सुख दुख हमारे सामने आए उसको उदासीन भाव से भोगता चले वो जीवन मुक्त। ऐसी परिभाषा क्या मिलती साहब? अब आप कहें कि एक साल पहले किसी ने गालियां दी हो उसको हम भूल सकते हैं कि अतीत का अनुसंधान न करें, चलो साल पहले, लेकिन अभी दो मिनट पहले उसने हमको गालियां दी है और आपको हम बता रहे हैं कि इस आदमी ने हमको गालियां दी, वो भी अतीत हो चुका है, दो मिनट पहले दी गई, उसको इस क्षण में मत ला। अतीत का अनुसंधान सालों का अनुसंधान नहीं होना चाहिए, क्षण क्षण का अनुसंधान होना चाहिए। बुद्ध भगवान के बारे में मैंने पढ़ा कि बुद्ध भगवान बैठे थे, किसी ने उस पर थूक दिया तो कुछ नहीं बोले और फिर उसको पछतावा हुआ उस आदमी को कि ये तो गजब है, मैंने थूक दिया फिर भी महापुरुष कुछ नहीं बोले, तो वो बहुत ग्लानि से भरा फिर आया और प्रणाम करने लगा। तब शिष्यों ने कहा कि आपकी इतनी गाली गलौज निंदा कर रहा था, थूक दिया था पर वही आया, क्षमा मत करना। बोले जो पहले आया था वो तो कभी का मर गया, अब तो नया आया, कहां वो थूकता था गाली देता था, अब क्षमा मांग रहा है, अब प्रणाम का आदमी। वो घड़ी बीत गई साहब, एक घड़ी के बाद भी भूतकाल हो जाता, अभी मैं ये बोला हो गई भूतकाल बात। लोग ऐसा तर्क करते इसलिए कहते भाई 5 महीने पहले कुछ ने हमारा अपमान किया तो भूल जाए, लेकिन अभी कर रहा है आपके सामने है, लेकिन हो गया है, भूतकाल हो चुका यार, गंगा बह गई। आध्यात्मिक व्यक्ति को क्षण क्षण में जीना पड़ता है, तभी ये सूत्र पाचक हो सकते। अतीतान अनुसंधानम, शंकराचार्य भगवान कहते हैं जिसने पास्ट का अनुसंधान छोड़ दिया, मेरी बहू ने ये कहा, मेरी सास ने ये कहा, फला ने मुझे ये कहा, वो कहा चला गया, ताजे तरोजे जियो, और भविष्य की विचारणा में चिंता होती कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्यों उसमें जाए? धनुष बीच में से तोड़ो, छोर से मत तोड़ो। राम जी ने धनुष मध्य में तोड़ा, ते ही छन राम मध्य धनुष तोड़ा, उसी में भक्ति प्राप्त हो गई। जो आदमी वर्तमान में धड़ाका कर लेता है, वर्तमान में छलांग ले लेता, उसको भक्ति जयमाला पहना देती। कई लोग हैं तो बोले हमको भक्ति तो करनी है लेकिन हमने इतना पिया इतना खाया इतना बुरा किया वो बार बार, अब ये चला गया यार, कोई पाप ऐसे नहीं जिससे मुक्त। सपने में किए हुए कर्म जागने के बाद एक भी कर्म नहीं रहता है और न उसका दंड होता है न ग्लानी होनी चाहिए। वैसे बुद्ध पुरुष कहते हैं जब व्यक्ति को विवेक हो जाए तब किए किराए सभी पाप उसी क्षण भस्म हो जाते। अब पाप इतना समय टिक सके तो इसका मतलब ये होगा कि पाप बड़ा बलवान है। पाप कभी बलवान हो ही नहीं सकता, पाप जैसा कमजोर कोई चीज नहीं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं, एक आदमी को सपना आया तो पत्नी सुबह में पत्नी पूछती है कि क्या क्यों आप जरा रुखे सुखे क्यों लग रहे हो? तो बोले सपना आया है। क्या सपने में क्या है? बोले सपने में मैंने एक बैंक लूटी, बैंक हाँ लूटी, फिर क्या हुआ? रंगे हाथ पकड़ा गया। अच्छा फिर क्या हुआ? सपने में सब हुआ। फिर क्या हुआ? 6 महीने की जेल हुई। फिर क्या हुआ कि जेल में काम कर रहा था, 5 महीना तो काट दिया, 1 महीना बाकी था, इतने में तूने जगा दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं तू कि 1 महीना बचा इसका क्या? बोले जागते नहीं तो पूरे 6 महीना का भोगनी पड़ती, जाग गए तो ऊपर का महीना चला गया। साहब जो सत्संग से जाग जाता है उनके पाप क्या? पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुबिमलम प्रेमांबु पूरम शुभम। राम कथा एक बृहत स्नानागार है,
इनमें आने वाले सभी हम बच्चे हैं और मानस माँ बनकर हमको नहला धुला करके पुनः वर्तमान में जिलाने की प्रेरणा देते हैं। एक बहुत बड़ा स्नानागार, हर कथा एक बहुत बड़ा स्नानागार है और वहां गंगा से नहाए जाते हैं। एक बार 9 दिन कोई स्नान करके निकले तो सज्ज स्नान है साहब। पाप पाप क्या चिंता कर, करने नहीं चाहिए पाप। हाँ, कोई गलत मैसेज न ले, बाकी पाप क्या है। हरि नाम के आगे, भगवत चरित्र के गान और श्रवण के आगे, भगवान में रम जाने के बाद पाप क्या है। सपना है, जागा गया, सूरज निकलता है तो तारों की टिमटिमाहट बंद हो जाती है साहब। वैसे कि भी सदगुरु की कृपा हो जाती, पाप बेचारे टिमटिमाते हुए चले जाते हैं। पाप क्या है, डरो मत युवान भाई बहन, डरो मत, पाप करना भी मत, लेकिन हो गया तो घबराना भी मत। हाँ, हमारे बुद्धिसेन शर्मा जी ने वो कविता मुझे याद दिला दी, तो पहले सब शेर याद थे मुझे, भूल गया बीच में। कल एक दो उठाकर रास्ते से तुम इसे मंदिर में ले आओ, मंदिर शब्द रिंदो, रिंदो में ले आओ, रिंदो में है शायर बैठे हैं। रिंदो में था, मंदिर में था, हाँ तो रिंदो ही रखते, मंदिर क्यों किया साहब। हाँ ठीक है, मंदिर तो आपने शायद व्यासपीठ से बोलना इसलिए मंदिर के, नहीं नहीं व्यासपीठ को कोई सोर्स नहीं है, जो शब्द आने आने दो साहब। हाँ, रिंदो में लाओ साहब। हाँ, मस्तों में, संतों में, फक्कड़ों में, अलमस्तों के बीच में उसको उठा कर ले आओ, किसी युवक को, किसी अल्लड़ युवक हो युवान, उसको शायर कहते हैं उठाकर रास्ते से तुम इसे रिंदों में ले आओ, ये पत्थर नाचना गाना बजाना सीख जाएगा, ये पत्थर नाचना गाना बजाना सीख जाएगा, सलीके से कहीं जो सर झुकाना सीख जाएगा, गमों का बोझ कांधों पर उठाना सीख जाएगा। अगर वो कश्तियां कागज की तैराता है पानी पर, अगर ये कश्तियां कागज की तैराता है पानी पर, तो गहराइयों का अंदाजा लगाना सीख जाएगा साहब। क्या सुंदर शेर आते हैं साहब, कितना बड़ा मैसेज आ रहा है 2 पंक्तियों में। कवि का सम्मान कर रहा हूं, आदर करता हूं, एक बार तालियां बुद्धिसेन भाई। सलाम साहब, अभी सच बोलता है वो तो मैंने कल बोल दिया। जलाकर अपने हाथों से इसे मौजों पे रख देना, जैसे गंगा में लोग दीपक जलाते हैं दोनों में, जलाकर अपने हाथों से इसे मौजों पे रख देना, दिया तूफान से आंखें मिलाना सीख जाएगा, दिया तूफान से आंखें मिलाना सीख जाएगा, उठाकर रास्ते से तुम उसे रिंदों में ले आओ, ये पत्थर नाचना गाना बजाना सीख जाएगा। वर्तमान औदासीन्यमपि प्राप्तम जीवन मुक्तस्य लक्षण। शंकराचार्य भगवान, इतने अतीत का अनुसंधान करके हम मरे जा रहे हैं। बुल्ले शाह ने कहा था ना, अगली दे ना पिछली दे, सदके जावा मजली दे। बुल्ले शाह जा रहे थे, एक लड़की पानी भरकर जा रही थी युवान, उसके पीछे एक छोटी लड़की बालिका, उसके पीछे एक 90 साल की बूढ़ी माँ, और बीच में एक 18-20 साल की एक युवती, तीनों पानी भर कर जा रही थी। तो बुल्ले शाह निकले तो तीनों को देखकर कहने लगा कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे मेरे देवता, इतना कर। बोले क्या चाहिए? बोले अगली ना, जो अगले छोटी बालिका है वो नहीं, न पिछली दे बूढ़ी है वो भी नहीं, सदके जावा बिचली दे, बीच वाली दे। लोगों ने डंडा उठाया कि कोई साधु है कि शैतान है, मारो सर फोड़ो।
ऐसी बात करता है, ये छोटी बालिका है, ये बूढ़ी है, वो नहीं, बीच वाली जवान स्त्री मुझे दे दो। तब किसी फकीर ने कहा कि संत को समझो ये क्या, वो कहता है भविष्य मत दे, भूतकाल मत दे, मुझे प्रतिक्षण में जीने का दीक्षा दे दे, मुझे बिचली दे। अतितान अनुसंधानम, भविष्य की चिंता में हम कितना, भगवत गीता के पाठ करने वाले भी कितनी चिंता में हम है। भगवत गीता ने कह दिया मां सोच, रामचरितमानस में लिखा है सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे, मेरे भरोसे पर तू चिंता छोड़। लेकिन पाठ होता है, निष्ठा कहां होती है साथ, भूतकाल का अनुसंधान छुड़ा जाए। हुआ हुआ, होगा वो अभी आया नहीं, क्यों फिक्र करे, जो है उसको क्यों बर्बाद करे। शंकराचार्य के विचार है, कोई नास्तिक के विचार नहीं है, कोई चार्वाक परंपरा के विचार नहीं है, ये धर्म प्राण महापुरुष शंकरावतार शंकर भगवान शंकराचार्य जी के वर्तमान में जी। कई लोग कथा में यही चिंता करते हैं, नौ दिन कथा सुनेंगे, कहीं जो कथा में नहीं आते वो कहते हैं उसके बाद तो वही के, अरे भविष्य की छोड़ना वही के वो, और बोले साहब बुरे काम करते हैं, अब कथा में जाकर बैठ गए सुनने लगे, सौ चूहे मार कर बिल्ली पटर पर बैठी, अरे सौ मार दिया अभी 101वां मरवाना है तुम्हें, अब बैठे तो बैठने दो ना। लेकिन बहुत सुंदर संदेश है, वर्तमान में जो सुख दुख आए उसको उदासीन स्थिति में भोगो, ये शब्द औदासीन्यम अभी, उदास होकर नहीं उदासीन होकर। उदास होना और उदासीन होना में बहुत फर्क है, उदास तो पूरी दुनिया है, बस में जगह न मिली तो उदास, समय पर भोजन नहीं मिला तो उदास, किसी ने पेन रखी और ढाकन दे दिया तो उदास, किसी की चप्पल चुरा ली गई तो उदास। हमारे तो एक महात्मा थे, कभी चप्पल एक जगह रखते ही नहीं, एक इस गिट पर रखते हो, इस गिट पर, ये बनी घटना है साहब, बिल्कुल बनी घटना है। मैं अब वो नहीं रहे, मैं उसको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मैंने हमको हमने पूछा बहुत विनोद कर, क्या करते थे हमारे, तो हमने कहा कि बाबा जी ये क्या, बोले एक इस गेट पर रखो और इस पर, कोई चुरा ही नहीं पाएगा क्योंकि एक देखेगा दूसरी चोरी तो नहीं, कौन बेकार चुराए। किसी को भी फाउंटेन पेन देने तो ढांकन अपने पास रखेगा, केवल पेन ही दे, कभी ना कभी लौट आएगा, ऐसा करते हैं। उदास होना, उदास तो हम है ही, उदास थी दीक्षा तो खबर नहीं किसने हमको दी है, हर बात में आदमी उदास। अब ये दीनदयाल जी को एक एक वसंत पंचमी को आपका सेल होगा, हाँ वसंत पंचमी में होता है ना, कब होता है ठीक। अब देखो एक साल में 50 लाख या 10 लाख राधेश्याम जी मुनाफा हो तो एक साल में 5 लाख कम हो तो उदास हो जाएंगे, ये तो इसका मतलब ही नहीं कि दीनदयाल जी उदासीन दीक्षित हो गए हैं। ये तो मैं देखकर उनके साथ जी मिल गया इसलिए मैं नाम लेकर के उसको बोलता, ये हमारे सबकी दशा है साहब। वक्ता लोग भी नहीं, कभी कथा न जमी तो उदास हो जाते, कभी ठीक से जनता नहीं आई तो भी ले ना समझ। उदास होते हैं हम सब, उदासीन, उदासीन का मतलब है जो सबसे कुछ परे उठ करके भोग रहा है। उदासीन व्यक्ति जलेबी गांठिया खाएगा तो स्वाद नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं है, स्वाद तो संसारी न ले इतना स्वाद लेगा साहब, कवल कवल पर ब्रह्म को खा रहा है ऐसा अनुभव करेगा, क्योंकि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। लेकिन चाह नहीं करेगा कि कल सुबह के नाश्ते में भी जलेबी हो, न हो तो भी नहीं, दूर हटकर खाया है। जलेबी हमको बांधे नहीं, जलेबी को बांध करके पेट में बंद कर दे।
किसी गरीब के झोपड़े की एक रोटी खाने में आनंद आ गया तो वो भी दूर बैठकर खाना चाहिए। दूसरे दिन वो रोटी न मिले तो उदास हो सकते हैं, आदमी उदासीन होना है। राम जी को कैकेयी ने क्या कहा, वर्तमान में जीना बेटा, भूतकाल छोड़ दो कि इसी परंपरा में बड़ा बेटा राजा, बड़ा बेटा राजा ये सोचेगा तो तुम्हें दुख होगा, और मैं राजा नहीं बनूंगा तो ये प्रजा का क्या होगा, ये भविष्य की सोच भी दुख देगा, तुम वर्तमान में। इसलिए कई एक शब्द यूज करती है मानस में, तापस बेस विशेष उदास, यहां उदासी माने उदासी है, कौदर परिस राम बन ऐसी बातें मैं करता रहा। तो एक युवक ने मुझे पूछा था कि बापू जो नापास हो जाए तो उसका अनुसंधान न करें, नहीं हो गया आप अनुसंधान क्या करना, और अगले परीक्षा में पास न हुए कि नहीं उसकी चिंता। बोले ये दोनों चिंता खराब है साहब, वर्तमान में ठीक से होमवर्क करो, बस वर्तमान में ठीक अपना स्वाध्याय करो, फिर बात बने न बने छोड़ो। बहुत दूर देखकर गाड़ी नहीं चलाई जाए क्योंकि इतना हमको देखता नहीं, दिखता नहीं, और रास्ता भी मुड़ता है, कहां तक देखोगे। और बहुत पीछे देखकर भी गाड़ी मत चलाया करो क्योंकि पीछे बिल्कुल मिट्टी उड़ रही है। वर्तमान में स्टीयरिंग ठीक पकड़ करके चलाओ, विंध्यवासी नहीं पहुंच जाओगे। कोई चलाए आटली बड़ी धूल उड़े यार क्या करेगा, ये एक्सीडेंट के सिवा क्या करेगा आदमी। और स्टीयरिंग छोड़ी ना ऐसा करे तो गड्ढे में जाओगे। सही, वर्तमान में जीने की मानस की आज्ञा, मानस का संदेश नहीं, मानस ने ऐसे जिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, उदासीन नीत रहिए गोस्वामी, हल परिहरिय स्वामी नाही, कल परिहरिय स्वामी। इस चौपाई का अर्थ क्या होता है, लो इस चौपाई का अर्थ क्या करूं। गोस्वामी जी कहते हैं उदासीन रहो, रोज उदासीन रहो, और अर्थ तो ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं अवश्य, कि खल को कुत्ते की तरह छोड़ दो। खल परिहरी स्वान की नाई, जो तुमसे खलता करता है, तुम्हें गाली गलौज करता है, तुम्हें ये करता है, तुमको भयानक देता है कि ऐसा हो जाएगा, सपने देकर भविष्य की चिंता, ऐसे खल को कुत्ते की तरह छोड़ दो। ये गुरुमुखी अर्थ नहीं हो सकता साहब, खल को कुत्ते की तरह, इसमें कुत्ते का अपमान है, कुत्ता है तो बेचारा बोलता नहीं, अदालत में जा नहीं सकता, वरना हमको खड़ा कर सकता है कि मुझे उसके साथ क्यों रखा तुम, हम कोई खल है, बाजी मार गए कुत्ते। बुलिया कहता है हाँ राती जागण कुत्ते, बुल्ले शाह कहते हैं इंसान हार गया और कुत्ता बाजी मार गया। सोचो, खल परिहरिये स्वानी, जिसने आपकी निंदा की भूतकाल, जो आपको डराता है कि ऐसा नहीं किया तो भविष्य में मार दूंगा, ये भविष्य की चिंता, एक खलता जो है कुत्ते की तरह छोड़ दो। कुत्ता ही चिंता नहीं करता, एक आदमी ने लाठी मारी वो बुलाएगा वहीं चला जाएगा, भूतकाल याद नहीं करता। हाँ, और एक कहेगा कि आया डाघा सर फोड़ दूंगा तो भी नहीं, कुत्ते की तरह। दत्तात्रेय ने कुत्ते ऐसे नहीं रखे होंगे साहब, भगवान दत्त की सेवा में जो कुत्ते हैं पहुंचे हुए, लोगों ने कुत्ते की बड़ी महिमा की है। सौ दस शीश श्वान की नाई,
रावण कुत्ते के उदासीन बनकर गया है। कुत्ता जानकी का अपहरण हो जाए तो भी ठीक है, अपहरण करने के बाद भविष्य में मारा जाऊं तो भी ठीक है, न हो पहले नहीं प्राप्त कर सका स्वयंवर में तो भी, न भूत का कोई अनुसंधान न भविष्य की चिंता, जो पड़ आई जानकी को उठा गया, भक्ति को लेकर चला गया। खल को कुत्ते की तरह छोड़ दो, ये नहीं, जैसे कुत्ता व्यवहार करता है, रोटी दिखाओ तो आता है, डंडा दिखाओ तो चला, न कोई राग न कोई द्वेष, एक कुत्ते का लक्षण है उसी अर्थ। उदासीन नीत रही बसाई, खल परिहरिय कुत्ता, न खल देखता है न भल देखता है, भल और खल दोनों से परा है। उदासीन व्यक्ति ऐसे जीता है, औदासीन्यमपि प्राप्तम जीवन मुक्तस्य। ये हम सीख जाए, युवान भाई बहनों को खास मेरी प्रार्थना है, बच्चे अतीत में हो गया तो हो गया, नापास हो गए तो नापास हो गए, एक कहने वाला 3 बार मैट्रिक में नापास हुआ, अब क्या मैं रोने बैठू कि 3 बार मैं नापास हुआ, 3 बार मैं तो सोच रहा हूं कि नापास नहीं होता तो मैं कथा नहीं कहता, कुछ नौकरी वोकरी करता किसी के तब, ये तो हर भूतकाल की घटना भी आशीर्वाद हो सकती है, वर्तमान जीने का संकल्प करो तो हो जाए। ये माँ बाप ही चढ़ाते हैं, ठीक से पास हो जाना, हाँ इस बार जो कम हुआ ना ऐसा नहीं करो, इसका मतलब बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक से होमवर्क करना चाहिए, सब गंभीरता से, लेकिन न हुआ तो अतितान अनुसंधानम, जन जन में ये विचार प्रस्थापित होना चाहिए। तो मेरे कहने का, समस्त चिंताओं से मुक्ति ही जीवन मुक्ति है। हमारा मोह गिर जाए क्रमशः धीरे धीरे, नष्टो मोह, स्मृति ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त हुआ टिम टिम करते सितारे विलीन हो गए, सूरज निकल चुका, जो हुआ हुआ संदेश, लेकिन छोटा सा संदेश है, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ता है क्या करें, क्योंकि हम सब वस्तु में लाभ घाटा ही सोचते रहते हैं, इसलिए मार खाते, एक बार इतना फायदा हुआ उत्सव मनाओ, एक बार कम फायदा हुआ कोई बात नहीं, मेरे भाग में से किसी को लेकर परमात्मा ने दूसरे को दे दिया होगा, बाकी मेरा कम नहीं हुआ है, भगवान ने मुझे बलात् दानवीर बनाया है, ये सोचो, 10 लाख का घाटा ये मत सोचो कि क्या हो गया, प्रभु ने, तुम नहीं देते थे अथवा तो देना चाहते थे फिर समझ नहीं थी, तो परमात्मा ने 10 लाख लेकर दूसरे को दे दिया। हर हाल में आदमी को ऐसे चला। कथा से पहले क्या था, बाद में तो सब बस धूल झाड़ कर चले जाएंगे, छोड़ो ये सब, अभी मस्ती ले लो, अभी आनंद कर लो, और क्षण की महिमा तो समस्त चिंताओं से। गाय का चौथा आंचल मुक्ति है, जिसके घर में गाय होती है उसके घर में मुक्ति घूमती रहती है, मोक्ष घूमता रहता है, ऐसी मेरी दृष्टि गो के प्रति है मेरे भाई बहन, इसीलिए राम कथा कलिका सोई
तरंगिनी ब्रह्म मेरे पास कल के बहुत से प्रश्न हैं। एक प्रश्न खास लेना चाहूंगा। एक प्रश्न पूछा है, मानस जी के अलावा आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? आपसे। क्योंकि आप मानस को इतनी श्रद्धा और आदर के साथ सुन रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा कि श्रोताओं के प्रति मेरी ममता है। आपसे मानस के नाते आपसे प्रेम है, इतना ही जवाब है मेरा। प्रश्न दूसरा, आप राम कथा ही क्यों करते हैं? प्रभु कृष्ण से आपकी क्या नाराजगी है? अरे यार, उन दोनों को दो क्यों समझते हो? कृष्ण कथा राम कथा एक ही तो है, भगवत कथा। हाँ, मेरी पूरी परंपरा ही तो कृष्ण की है साहब। मेरे बाल में बिंदी नहीं देखते? ये राम का तिलक नहीं है, कृष्ण का तिलक है साहब। मेरी टंग राम है लेकिन तिलक कृष्ण है। टंग मानी जीव, मेरी जबान पर राम है लेकिन मेरे बाल में, ये सब एक। राम कृष्ण में क्या अंतर, क्यों सब एक? लेकिन राम का कथन आसान है, कृष्ण का कथन जरा मुश्किल है साहब। ये आदमी ही ऐसा है कि उस पर प्रवचन कम हो सकते हैं, प्रेम ज्यादा हो सकते हैं साहब। और जिससे प्रेम होता है उसकी बात को बकबक मत किया करो यार, प्यार करो, प्रेम करो। तो सवाल ही नहीं, आप क्या जाने मेरे लिए भगवान कृष्ण क्या है। ठीक है, रामचरितमानस और गीता, इन दोनों में श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? इन दोनों ग्रंथों में मूलतः क्या अंतर है? सब अपनी अपनी जगह अद्भुत है, श्रेष्ठ निम्न की चर्चा छोड़ो। आपको जो ग्रंथ प्रेम करने योग्य लगे आपके लिए वो श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे को निम्न मत समझना। अंतर इतना ही है कि भगवत गीता में सब योग है, विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान योग, मोक्ष संन्यास, सब योग है। रामचरितमानस में इन योग का सब प्रयोग है, प्रैक्टिकल रामचरितमानस में हुआ है। संग से काम बढ़ता है, काम से क्रोध होता है, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण फिर रामचरितमानस में। तो वहां सब योग है, मानस में सब प्रयोग ही प्रयोग है, फिर भी अंतर नहीं, योग का ही प्रयोग है। आपको कथा कहने में जो आनंद आता है उस आनंद को जरा बताने की कृपा करें। ले अब आप कहते हैं आनंद आता है आपको, और फिर मैं बताऊं क्यों? आपको तो जानकारी हो ही गई है कि मुझे आनंद आता है। अबे वहां आई थी उतरी तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा। आप एक और पूछते हैं कि आपको कथा में इतना आनंद जो आता है, कृपया उस आनंद को बताने की कृपा करें। तेरे सामने मेरा हाल है यार, आनंद बताया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अब इतने आनंद में जी रहे आपको, आपको इतना भी पता नहीं लगता कि मैं कैसे बताऊं आनंद? मुस्कुराऊं तो आनंद, रोऊं तो आनंद, नाचूं तो आनंद, गाऊं को आनंद।
आनंद कैसे बताया जाए। आनंद तो कभी मौन धारण करता है, आनंद कभी मुखर होता है, आनंद कभी अपने को बिल्कुल कहीं छिपा देता है, आनंद कभी सबके बीच में व्यक्त भी कर देता है। आनंद को कोई धर्म नहीं है, आनंद स्वयं धर्म। एक हमारे गुजराती कवि ने मुझे टेलीफोन पर एक प्रश्न पूछा, अच्छा विवेचन भी करते हैं, संपादन भी अच्छा करते हैं, कवि सम्मेलन मुशायरों का संचालन भी बहुत अच्छा करते हैं और खुद कविताएं लिखते हैं। उसने मुझे कुछ दिन पहले टेलीफोन पर प्रश्न पूछा कि बाबू एक प्रश्न का उत्तर, बहुत मन में वो हो रहा है, एक प्रश्न का उत्तर बोले, मुझे पूछा भगवान का धर्म क्या है, भगवान का धर्म क्या। मैंने कहा भगवान धर्म निरपेक्ष है। क्यों? वो स्वयं धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत। इस दुनिया में धर्म निरपेक्ष को हो तो भगवान है। भगवान के नाम पर धर्म निरपेक्षता की चर्चाएं होती, ईश्वर धर्म निरपेक्ष है, काल निरपेक्ष है, कला निरपेक्ष है, परमात्मा स्वयं धर्म है, परमात्मा स्वयं सत्य है, परमात्मा स्वयं प्रेम है, परमात्मा स्वयं करुणा है, इसलिए उनका कोई धर्म नहीं, वो ही धर्म है। आनंद कैसे बताए, कैसे बताए? आप कहते हैं कि आपको आनंद आता है, इसका मतलब ये कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आनंद ले रहा हूं, बस तो आपको तो प्रमाण मिल गया। हाँ शायद आप ये पूछते हो कि किस विधा से ये मिले, ये पूछना चाहते हो कि ऐसा आनंद, तो क्षण में जियो, भूतकाल को मारो, भविष्य की चिंता छोड़ो, जो आनंद आए उसमें आनंद कर लो, आनंद ही आनंद है। अच्छे प्रश्न। सब सुख मिलने के बाद भी कई लोग दुखी रहते हैं, ऐसा ऐसा क्यों? उसको सब सुख मिला ही नहीं। कल मैंने कहा था सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का। सब सुख का मतलब है नाल पे सुखम अस्ति, छांदोग्य का सूत्र है। हमको अल्प में रुचि नहीं है, हम कह कबीर में पूरा पाया। जिसको पूरा मिल जाता है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। हम दुखी हैं बहुत सी, सुख किसी को मिला ही नहीं, सुविधाएं मिली है। सुविधाओं को सुख मत कहो। टीवी मिल जाना सुविधा है, सुख नहीं है। घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो वो ही टीवी दुख देने लगता है। ये सुविधाएं हैं, सुख नहीं। सुख तो है स्वांतः सुखा ये तुलसी रघुनाथ, निज सुख बिनु मन हो ही की थीरा। निज सुख जो किसी उपकरण से नहीं आया, स्वतः प्रगटा। बहुत से घरों में सगे भाइयों में भी प्रेम नहीं होता, इसका कारण क्या? शरीर से वो सगे भाई हैं, बाकी मन से सगे भाई नहीं, वरना अदालतों में जा ही नहीं सकते। शरीर से कुछ होना, मन से कुछ होना, ऐसा है। अच्छा सवाल है अका, पत्नियों के कारण ही पतियों की गाड़ी ठीक से चलती है, फिर भी पत्नियों को यश क्यों नहीं मिलता? पत्नियों के कारण ही गाड़ी ठीक से चलती है, लेकिन पत्नियों को यश क्यों नहीं मिलता? अपने से शुरू करो, सीधी सी बात है ना यार। आपको ऐसा लगता हो कि हमारे, यदि आप शादीशुदा है तो मुझे खबर नहीं क्या है, न हो तो भगवान करे मैं दुआ करूं कि हो जाए। अच्छा प्रश्न, अपने घर से शुरू करें साहब, उससे गाड़ी चलती है तो उसको यश दो, सबकी छोड़ो। खाना अपने हाथ से ही हुआ करता है, अपना उड़कार अपने से ही लिया जा सकता है, अपने घर से शुरू करो बस, ठीक है।
प्रभु कृपा से सारी दुनिया आपका सम्मान करती है, क्या आपका कभी अपमान भी हुआ है? बापू अपमान को सहने की कला बताई है। अपमान हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं सम्मान को सम्मान मानता हूँ। सम्मान को सम्मान मानूं तो अपमान की दावत न बता सकती है। न मेरे लिए सम्मान है, न लिए मेरे लिए अपमान है। प्रेम ही प्रेम है साहब, अपमान क्या? कोई सामने न देखे तो अपमान, कोई हाथ में जोड़े तो अपमान, वो हाथ में जोड़े तो मैं जोड़ लूं, सीधी सी बात है। अपमान बपमान कुछ होता ही नहीं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो, और मेरी बात पर भरोसा ना आए तो रूप बदल कर मेरा अपमान करके देखो, तभी मैं बुरी पर ठीक हूं तो मानना, वरना छोड़ दो, मुझे क्या लेना देना है अपमान से। आनंद आता है गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद। अपमान बपमान कुछ है ही नहीं, ये सब ऊपर की तरंग है। अपमान क्या? अपमान करने वाले भी सम्मान ही कर रहे हैं, क्योंकि अपने बारे में सोचते तो है। अपमान करने के लिए कितनी तान छानबीन करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, केंद्र में तो हम ही रहते। एक पंक्ति गाओ। जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते, बुरा हो वो क्यों कर आपका सम्मान करें तो समझना वो आपकी प्रेम भक्ति कर रहे हैं, आपका अपमान करें तो समझना ये वैर भाव से आपकी ही भक्ति कर रहे हैं। भक्ति वैरी की और प्रेमियों की हुआ करते, किसी की उपेक्षा न की जाए। अपमान करने वाला आदमी को ठीक रखता है, आदमी को, वरना आदमी उठ जाए साहब। आदमी को थोड़ा जमीन पर रखना चाहिए, अपमान होने चाहिए। हमारा तो नहीं ऐसा कोई सवारी नहीं, नहीं। कौन अपमान कौन कर, इतनी दुनिया कोई अपमान है ही नहीं, सवाल ही नहीं। पिछले कई सालों से आपका वजन लगभग एक सा है। ले अरे मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं लोग, हद है। ये देखो ये प्रश्न, पिछले कई सालों से आपका वजन लगभग एक सा है, न घटा है न बढ़ा है, इसका क्या रहस्य है? राज को राज रहने दो, सभी सवाल के उत्तर नहीं दिए जाते। अब मुझे भी पता नहीं मेरा वजन कितना है, न मैं कभी करता हूं। एक बे जगह करो तो कांटा यद ना पड़े, खोटू से उतरी जाओ, खोटू वो यंत्र ही गलत था। किसी साधु को वजन के बारे में मत पूछो, उसके भजन के बारे में पूछा। साधु की कसौटी वजन नहीं है, वजन से क्या लेना देना, पूछो हका को। और मैं ये भी कहना चाहूंगा युवान भाई बहन की, व्यक्ति का वजन और भजन दोनों सम्यक होना चाहिए। और भी कई काम करने हैं, वहां तुम केवल माला लेकर ही बैठ जाओगे तो नहीं चलेगा। और भी काम, प्रेम सब कुछ नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए। दोनों में याद रखना इस सूत्र को मेरे भाई बहन, सिखाया गया खूब भजन करो, खूब करो। हाँ जब ऐसी स्थिति आए और जो भी करो भजन हो जाए, बाकी भजन और वजन दोनों सम्यक हो। आदमी का शारीरिक वजन सम्यक हो,
जाना ज्यादा न कम स्फूर्ति बनी रहे, और भजन भी ऐसा हो कि तुम्हारे परिवार वालों को तकलीफ ना हो। अब भजन के नाम पर कोई काम ही छोड़ी दे, प्रमादी हो जाए तो बस हम तो कुछ नहीं करें, न दफ्तर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, बस भजन करो भजन करो। सम्यक होना चाहिए, और भजन और वजन की सम्यकता आती है सहजता से। जो आदमी सहज होगा उसमें सम्यक वजन रहेगा और सम्यक भजन रहेगा। तो वजन का रहस्य बस यही है, मारे तो मापू पड़ से यार वजन आते। आप अन्य सदगुरुओं की तरह अपने शिष्यों को दीक्षित क्यों नहीं करते? मेरा कोई शिष्य ही नहीं है, क्या दीक्षित करूं यार, मेरे सब श्रोता है, मेरे कोई शिष्य नहीं है, श्रोता है। और मैं इसलिए सबको श्रोता मानता हूं क्योंकि श्रोता कम से कम सुनते तो हैं, चेले सुनते ही नहीं। कौन नौबत उठाए, कम से कम लाखों की तादाद में आप सुनते हो, इसका मुझे आनंद है। तो दीक्षित दीक्षित संत लोग महापुरुष लोग कर सकते हैं, अपने अपने स्वभाव से सब चलते हैं। जो मैं तो केवल दिशा देता हूं कि भाई इसी रास्ते से चलने से हमको आनंद आता है, आप भी कोशिश करो ना, अनुकूल छोड़ दो, सब प्रकार की मुक्ति है आपको। हिंदू धर्म के अलावा आप कौन से धर्म से सबसे अधिक प्रभावित हैं? सत्य प्रेम और करुणा जहां हो बस इनसे मैं सराबोर हूं। कहीं भी हो सत्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और करुणा होनी चाहिए, और कोई धर्म उसकी मना नहीं कर सकता। बस टीवी पर देखने में आपकी उम्र कुछ ज्यादा नजर आती है, प्रत्यक्ष देखने में उम्र काफी कम नजर आती है, रहस्य एला भाई मुझे इसलिए बुलाया है आपने यहां यार। दूरदर्शन पर सब बूढ़े दिखाई देते हैं, निकट दर्शन पर सब जवान दिखाई देते हैं। निज दर्शन करो, निकट दर्शन मानी निज दर्शन, दूरदर्शन पर तो सब बूढ़े ही। मैंने चिंता था ये ऊर्जा क्यों भाई टीवी में यो देखा उस यार बूढ़े बूढ़े कुछ पूछ नहीं, आनंद है साहब। बूढ़े क्यों, बूढ़े आदमी विचार से हो जाता है। हरि भजो ना बुढ़ापा, वृद्धत्वम जरसा बिना। आपकी कथाओं में काव्यात्मक भाव बहुत प्रकट होते हैं, क्या आप कवि भी हैं? कृपया आपकी कोई रचना सुनाई है, खुदा आपकी उम्मीद पूरी न करे। मैं तुलसी का सहारा लेकर पंक्ति सुना दूं। कवि न हो नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण। कभी तो बना नहीं जाता, जन्मता है साहब, कभी बने थोड़े जाते। तुलसीदास जी ने लिखा है कलयुग में बहुत कवि प्रकट हो जाएंगे, बात और है, बाकी कवि तो पैदा होते हैं साहब, माँ के गर्भ में रियाज करके आते हैं। कवि बनने के मैं कोई कवि बवि नहीं हूँ साहब, कुछ मैंने कवियों को सुन सुन करके उनका प्रसाद बांटता हूँ साहब, इसलिए आपको काव्यात्मक लगता है तो अच्छी बात है, हम कोई कवि नहीं, और कवि होने की अकारण प्रयास भी मत करना, फूटे तो फूटे। एक बाप को एक मेहमान ने पूछा कि आपके बेटे कितने हैं, बोले तीन। तो बोले मैं जब गांव में आया आपके बारे में पूछा तो किसी ने कहा उसके बेटे चार है, अब तीन क्यों कहते हैं? बोले वैसे तो चार लेकिन तीन है, क्यों? एक तो कवि हो गया कवि हो गया, वो तो गया बिल्कुल, अब वो कोई काम का नहीं रहा। ऐसे नहीं साहब,
कवि ईश्वर की विभूति है, ऐसे ही धरती पर नहीं आती साहब। कवि नाम उशना कवि, भगवत गीताकार कहते कवि तो ईश्वर, इसलिए हम कोई कवि नहीं है। हाँ, कवि को एंजॉय करते हैं साहब, सही जगह पर कवियों को दाद देते हैं, ये मेरा सत्संग है, आनंद आता है कवि। क्या आप योग भी करते हैं? आपका प्रिय आसन कौन सा है? आटली परीक्षा तो कोई नहीं करी यार, इतने प्रश्न पूछते, उसमें दो तीन ऐसा तो लिखते कि आठ में से पांच का जवाब दो, तो मैं छोड़ भी सकता है, तो सब कंपलसरी है। ठीक है, हाँ, मैंने योग के बारे में कुछ अभ्यास शुरू में किया, लेकिन ये बात मेरे सहज स्वभाव में रास नहीं आया। इसमें योग की आलोचना नहीं है साहब, योग बहुत अद्भुत वस्तु, भीतरी विज्ञान है, और कई हमारे समाज में महापुरुष लोग योग के द्वारा लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुझे योग योग पुराने बैसु नहीं वो अपन नहीं है। तो कोई ऐसी बात नहीं, ये अभ्यास बहुत अद्भुत है, लेकिन मेरी व्यासपीठ पर मेरे सब योग पूरे हो जाते हैं, मुझे सब एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, मुझे कोई जरूरत नहीं रहती। आपका प्रिय आसन कौन सा है? ये मेरा प्रिय आसन है, पैर को चोट लगी तब से सूरत से ये शुरू किया, कभी कभी थक जाता हूं तो ऐसे बैठता हूं। उत्तमा सहजावस्था, अपनी सहज अवस्था में जिए जिए, ये मेरा सहजावस्था। मेरी छोटे कथा में भी आपको जिस तरह बैठने में सहजता लगे ऐसे बैठना, वही सवाल। हाँ जरूर, मर्यादा का कुछ होता है, लेकिन मैं उसका भी बंधन आप पर नहीं डालना चाहता, सहज बैठो। कभी नहीं हो कहा, एक भाई मेरे सामने बैठे थे इधर, तो पैर ऐसे लंबा करके बावलना बढ़िया जवाब पैर, तो किसी ने मुझे पूछा कि ये आदमी आपके सामने पैर रखकर, मैंने कहा वो पैर नहीं दिखा रहा था, चरण दर्शन करवा रहा था, इसमें क्या मर्यादा, जरूर ठीक है, लेकिन कोई मेरा खास आसन नहीं है। वैसे सदियों के सालों से ऐसे जो बैठता था, लेकिन पैर में वो लगा, उसके बाद मैं ऐसे भी बैठ लेता हूँ, अच्छी राहत रहती है, अब तो पैर में कोई तकलीफ नहीं, ले फिर भी ये अच्छा आदत हो गई, तो आप कहते हो तो बैठूं कुछ समय, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ये सुरभि संस्थान को आपत्ति नहीं है ना? तो ठीक है बैठा, अब चलो। बीच में एक प्रश्न और ले लो, बापू आप शॉल रखते हैं तो कंधे पर क्यों रखते हैं, सिर पर क्यों नहीं रखते? आपको मुझे कथा करने देनी है कि नहीं करने देनी है? क्या आप योग भी करते हैं? आपका प्रिय आसन कौन सा है? कृपया अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में हमें बताएं। हर कथा मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है,
भगवत चर्चा, भगवत स्मरण, इससे महत्वपूर्ण घटना दुनिया में कौन है साहब? जो घड़ी जाए हरि भजन में, बस वही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आपके गले में दर्द कहां से? किसने कहा मेरे गले में दर्द है? यार इतना चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं फिर भी समझदार लोग इतना समझ नहीं पाए, दर्द है? कोई दर्द नहीं है मुझे, क्या दर्द है? बड़े बड़े साधु पुरुष भी मुझे पूछते हैं, अबे ठीक से, मैंने तुमने क्या मुझे ये बात करो, मुझे क्या लेने साहब, मैं आज पूछा है तो खुलासा करूं, कोई मुझे क्या दर्द है? कोई दर्द नहीं। कितनी अफवाहें चलती, जहां जाओ वहां एक अफवाह शुरू होती है कि बस बापू की ये अंतिम कथा है। ले बोल, हो गया, हो गया। मेरे भाई बहन कुछ प्रश्न आ गए तो उसको मैं आपके सामने रख रहा था, अच्छा पूछा आपने ताकि मैं आपको खुलासा दे सका। तो मेरे भाई सहज रहो, सहज रहने से सम्यक भजन और सम्यक वजन रहता है और इससे व्यक्ति समाज के लिए अच्छे ढंग से जी सकता है, प्रसन्न रह सकता है, और कोई वो कारण नहीं। दीनदयाल जी ठीक है सब? अच्छा, जो हमारे दीनदयाल जी सहज बैठते हैं ऐसे ही रहना यार प्यारे, आनंद से रहना। हर मुसाफिर था सफर में एक न एक हसरत के साथ, यूं अकेले थे सभी लेकिन कोई तन्हा न था। बुद्धिसेन जी, गालियां सारी दुआएं हो गई मेरे लिए, गालियां सारी दुआएं हो गई मेरे लिए, पहले क्यों मैंने कभी इस राज को समझा न था, पहले क्यों मैंने इस राज को समझा न था, इस कदर डूबे कि फिर खतरे का अंदेशा न था, इस कदर डूबे कि फिर खतरे का अंदेशा न था, फिर कोई कश्ती कोई तूफान कोई दरिया न था। अच्छा शेर है साहब, दिला सुनो। यूं हुआ मैं कुछ सच्चाइयां, यूं हुआ आपस में कुछ सच्चाइयां टकरा गई, यूं हुआ आपस में कुछ सच्चाइयां टकरा गई, वरना सब सच्चे थे धरती पर कोई झूठा न था, धरती पर कोई झूठा। जाने कितने रास्ते थे जाने कितनी मंजिलें, जाने कितने रास्ते थे जाने कितनी मंजिलें, बाद उसके फिर कोई मंजिल कोई रास्ता न था, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम। जितने कच्चे रंग थे सारे के सारे उड़ गए, जितने कच्चे रंग थे सारे के सारे उड़ गए, यह मेरे दिल का वर्क इतना कभी सादा न था। वो घड़े झुकते थे बस प्यासों की खिदमत के लिए, अच्छा शेर, वो घड़े झुकते थे बस प्यासों की खिदमत के लिए, कौन सा पानी था उनमें जो कभी घटता न था। नम्रता विनम्रता सरलता सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, कौन सा इसमें पानी था कि घटता नहीं, दूसरों की प्यास के लिए जो झुक कर पिलाए जाता,
वो घड़े झुकते थे बस प्यासों की खिदमत के लिए, कौन सा पानी था उनमें जो कभी घटता न था। यह भी सच है देखता रहता था मेरा दिल उसे, यह भी सच है देखता रहता था मेरा दिल उसे, यह भी सच है मेरी आंखों ने उसे देखा न था साहब। यह भी सच है देखता रहता था मेरा दिल उसे, यह भी सच है मेरी आंखों ने उसे देखा न था। दूसरों के ऐब गिनवाने में माहिर थे सभी, दूसरों के नुक्स निकालने में ऐब दिखाने में माहिर थे सभी, सामने लेकिन किसी के कोई आईना न था। खुद आईना देखता तो पता लगता कि मैं दूसरों के नुक्स निकाल, इस कदर डूबे कि फिर खतरे का अंदेशा न था, फिर कोई कश्ती कोई तूफान कोई दरिया न था। हर मुसाफिर था सफर में एक न एक हसरत के साथ, यूं अकेले थे सभी लेकिन कोई तनहा न था। गालियां सारी दुआएं हो गई मेरे लिए पहले, क्यों मैंने कभी इस राज को समझाना था। अच्छा था सदगुरु की सेवा, सदगुरु की पसंदगी हो जाए, पसंद की हो जाए तो क्या ये आत्मा का विलास नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है। सदगुरु की सेवा यदि सदगुरु के पसंदगी, उसकी जो पसंद है उसकी जो रुचि है उसकी जो स्वाभाविक है, ऐसी सदगुरु की सेवा उसकी पसंदगी की यदि सेवा तो वो आत्मविलास है, सीधी सी बात है। उसकी पसंद नहीं है ऐसी सेवा करने जाओ तो उसके आत्मा को भी हम दबाने की कोशिश करते हैं और हम भी विकृत होते जाते हैं। इसलिए किसी सदगुरु की सेवा करने से पहले उसकी रुचि देखो, उसका स्वभाव देखो। हम लोग सदगुरु के प्रभाव में आ जाते हैं, स्वभाव में एंटर प्रवेश ही नहीं करते, उसके स्वभाव में जो प्रवेश करते हैं वो ऐसे उसको देखो। मुस्कुराहट आपकी शान है, हमारी आंखें आपकी पहचान है, हमारी सांसें आपकी जान है। बस इतना ही, मुक्त का अधूरा है। अच्छा बहुत मजा आ गया अगले क्षण में जियो, मौज आ जाए तब मौज करो लेकिन मर्यादा मत दो। उदासीन होकर आई हुई वर्तमान में सुख दुख की घड़ियां, उसको उदासीन होकर स्वाद लो। शीरा का भी स्वाद होता है, अचार का भी अपना स्वाद होता है। सुख दुख खट मीठी बातें हैं, सुख मीठा है दुख खट्टा है, लेकिन दोनों मिलने से जीवन का एक स्वाद बनता है। इसी आनंद में युवान भाई बहनों को खास, भूतकाल का अनुसंधान छोड़ो, भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में हरी जो दे उसको उदासीन भाव से उसका स्वाद लो। आज मिला कल ना भी मिले उनकी मौत इसी में। तो इस तरह यदि हम सत्संग को समझेंगे तो ये अच्छा मौका है, इससे महत्वपूर्ण। इसलिए संभल जाओ। संभल जाओ ए तन भारो कि आए बहार के, जहां वसंत ऋतु रोभी ये प्रेम वाटिका है, यहाँ नित्य वसंत है। मोहब्बत करने वाले जून में भी दिल में दिसंबर देख लेते हैं।
संभल जाओ पंडित जी, संभल जाओ चमन बारो। ये नौ दिन बहार के, बहार के सुनो सजना, सुनो सजना, पपी है कहा सबसे पुकार के संभल जाओ चमन बारो कि आए बाहर के सुनो सजना, सुनो सजना। हे हरि, हिसाब किताब में गए तो पल में नहीं जी पाओगे। हाँ वो दर्द है, लेकिन उसका पहुंचना वो दर्द तो है ही, वो में दर्द खुदा करे कायम रहे, एक पीड़ एक पीर। बाकी कई लोग ऐसे बोलते रहते, मुझे याद करना पड़ेगा कि ब्रह्मलीन डोंगरे जी बापा के बारे में भी आखिरी समय में ऐसी अफवाहें चली थी, ये लोगों को अच्छा है इस बहाने चर्चा तो करते हैं। इतने बदनाम हुए हैं इस जमाने में। मूल बात सोचे दिला में अपने आनंद करिए ने, ये घना गमतू नहीं। आनंद करते हैं ने वो, कई लोग सहन नहीं कर पा रहे, तो अब सहन ना करे तो फिर कुछ ना कुछ बातें बनानी पड़ेगी, है ऐसा चलता है। एक भाई ने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब ये आपकी दवा खाते खाते मर जाना, इससे तो अच्छा है कि बिना दवा खाए मर जाए। दवा खाकर भी मरना तो बिना दवा खाए मरना, ऐसा करे? बोले ऐसा मत करना, क्या कि तो मैं मर जाऊंगा। हिसाब किताब चल रहा है दुनिया में साहब, यहां कौन सम्यक दृष्टि। अब इतने नासमझ लोग हैं, एक तो बहुत बड़े बुजुर्ग महापुरुष में रास्ते में मिल गया सावरकुंडला और महुआ के बीच में, तो मैंने देखा कि वो ये तो इतने महापुरुष, मैंने गाड़ी रुकवा दी कि प्रणाम करो आशीर्वाद। जैसे गाड़ी रुकवाई मैंने कहा बाबा दंडवत बड़ा, अरे मुरारी बाबू आप हाँ कैसा है? मैंने कहा मैं किस आप तक बात पहुंच गई, संभल जाओ चमन वालो। प्रेम का दर्द जरूर है साहब, हरि भजन की पीड़ा जरूर है, और ये पीड़ा ये प्यास कायम रहे, निस दिन बरसत नहीं। कि पीर अद्भुत है, जो पीरों की पीर है, पहुंचे हुए लोगों की ये पीर है। मेरे भाई बहन, ऐसी चिंता से बाहर आओ, मैं साफ कर रहा हूं साहब, जरूरत नहीं है मुझे साफ करने, लेकिन आज पूछा तो शायद मैं प्रश्न छोड़ भी देता, लेकिन लाइन में आ गया तो क्या करूं, ले लिया। हाँ इस बार इन महापुरुषों की हृदय की भावना से तो जिए जा रहे हैं, दाल रोटी से कोई थोड़ा जीता है साहब, दाल रोटी से तो शरीर जीता है, आदमी की आत्मा और मन की प्रसन्नता तो महान पुरुषों के प्यार औदार्य वात्सल्य और आशीर्वाद से हुआ करती है साहब। ईसा का तो आनंद है, जितनी संपदा है हमारे पास किसी के पास नहीं यार। 3 साल की लड़की से लो 103 साल की बूढ़ी माता, 3 साल का बच्चा लो 103 साल, सब लोग व्यासपीठ से प्रेम करते हैं। अब ये लोगों को अच्छा नहीं लगता तो क्या करे, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि अब तो आखिरी कथा है, अब कथा नहीं कर पाएंगे। कई लोगों ने देखे कि अब संन्यास ले,
जीवन मुक्तस्य लक्षण, जीवन मुक्त के लक्षण तो अच्छी बात है। चलो तो दीनदयाल जी बोलिए, कुछ है आपको प्रश्न? नहीं। कानन तुमको कोई प्रश्न है? नहीं। केशव तुम्हें कोई प्रश्न है? नहीं। किशन तुझे कानन कुंडल कुंचित केशव? कानन कुंडल कौन पहनता है? कृष्ण। कुंडल केशव, केशव धमा ए धमा कहेंगे तुम गयो वो तो बराबर से हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है बिल्कुल। प्रश्न ये है कि कोई प्रश्न ही न रह जाए, अच्छी बात ये भूमिका सच। और इसलिए तो आपने दक्षिणामूर्ति का दर्शन जिसमें गुरु मौन रहता है और शिष्य के संशय क्षीण हो जाते हैं, जहाँ गुरु को कोई बोलना नहीं पड़ता और मौन में इतने उत्तर होते हैं जो वाणी से कभी बयां नहीं हो सकते साहब। सबसे श्रेष्ठ उत्तर है मौन, क्योंकि उसके आगे कुछ कहना होता नहीं। तो कुछ आपकी प्रश्न थे, जिज्ञासाएं थी, सो मैंने आपके सामने रखी। हम चर्चा कर रहे थे कि गाय के चार आंचल धर्म देता है, काम देता है, आदमी को कार्य देता है, अर्थोपार्जन कराता है और सभी चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष देता है। ऐसी राम कथा कलयुग की कामद गाय है। राम सुजान सजी पवनी भूमि सुहा सोई ब्रह्म भेद राम कथा कलिकांद गाई सुजन सजी गिरा अरथ जल बीज संकहियत भिन्नन भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। कल हम हनुमान जी की वंदना कथा के क्रम में कर रहे थे, फिर सीताराम जी की वंदना हुई, फिर एक नव दोहे का प्रकरण गोस्वामी जी ने मानस में रखा है जो राम नाम महिमा राम नाम वंदना का प्रकरण। कलयुग में राम नाम की जो महिमा है अद्भुत ढंग से गोस्वामी जी ने अनुभव से प्रस्थापित की है। बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को विधि हरि हर मय भेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा चासु चान गण रावु प्रथम पूज नाम प्रभा। गोस्वामी जी कहते हैं रघुवर के कई नाम हैं, इनमें से राम नाम की मैं वंदना करता हूं। भगवान शंकर जिस दो अक्षर के नाम को महामंत्र की मानसिकता से रात दिन जपते रहते और काशी में यही मंत्र मुक्ति का उपदेश बना। शिव के पुत्र गणेश जी
केवल धरती पर राम लिखकर परिक्रमा कर लेते हैं तो इस दो अक्षर वाला महामंत्र राम नाम भी है महामंत्र है। संसार में गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। आदि कवि वाल्मीकि जी सुलटा न जप पाए उल्टा बोले मरा मरा तो शुद्ध हो गए। भवानी ने शिव जी से सुना कि एक बार राम बोलने से सहस्र नाम ततुल्यम 1000 बार नाम लेने का फल प्राप्त होता है। तब से भवानी राम नाम का उच्चारण करने लगी और संसार में स्त्री जगत की भूषण हो गई। भगवान शंकर राम शब्द को इस तरह जपते हैं कि विष अमृत बन गया कालकूट फल दीन अमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बरवरण जुग सावन भादो मास। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है। हर मौसम भगवान की भक्ति के है वर्षा ऋतु। भगवान को समर्पित परमात्मा को समर्पित भक्त दास साली है एक पाक है उसको धन्य करने के लिए राम नाम बरबरण जुग सावन भादो मास। रा और म सावन और भादो मास की वर्षा है। अद्भुत महिमा नाम की है मेरे भाई बहन। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा प्रकरण उसके बारे में लिख दिया। ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नामो। ध्रुव ने नाम का गलानी से जप किया अचल स्थान प्राप्त किया। प्रहलाद ने नाम का जप किया धन्य हो गए। सत्यम धातु निज भृत्य भाषितम श्रीमद भागवत स्तंभे समायाम न मृगम न मानुषम। जब नरसिंह अवतार होते प्रहलाद ने जब नाम से पुकारा उसको अपने भक्त की बोली को वो राम राम रटता था हरि हरि रटता था और हिरण्यकशिपु को कहता था कि हर चीज में परमात्मा है हर जगह ब्रह्म व्याप्ता है। इसी शब्द को निज भृत्य भाषितम भागवतकार कहते हैं अपने आश्रित की बोली हुई वाणी को सत्य करने के लिए स्तंभे समायाम न मृगम न मानुषम। स्तंभ में प्रकट हो गया न मनुष्य था न पशु था ऐसे परमात्मा जाहिर कर देता है कि मैं सब में हूं। वो हुआ था केवल हरि नाम के प्रभाव से। ध्रुव ने जपा प्रहलाद ने जपा। हमारे यहाँ एक बार प्रवचन श्रेणी चल रही थी कैलाश गुरुकुल में तो हमारे गुजरात के एक वक्ता अपने मनसुख भाई सावलिया अच्छा बोले थे कि आदमी में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में भी थंबा दिखता है खंभा और श्रद्धा हो तो खंभे में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। नमृग स्तंभे समायाम नमृगम न मानुषम ये श्रीमद् भागवत जी का लेख है। तो प्रहलाद धन्य हुए नाम के कारण। हनुमान जी नाम जप करके परमात्मा को निरंतर वश में रखते हैं। त्रेतायुग में भगवान राम ने विग्रह धारण करके लीला करते करते जो किया आज कलयुग में सभी लीला नाम से हो रही है। त्रेतायुग में भगवान राम ने एक अहल्या को तारी आज उनका नाम कोटि खलों की कुमती को चैतन्य प्रदान कर रहा है। त्रेतायुग में राम में भगवान एक शिव धनुष तोड़ देते हैं कलयुग में उनका नाम आदमी के अहंकार को जड़ता को आखिर में संसार को भी संसार से मुक्त कर देता है। त्रेतायुग में भगवान राम सबरी गीत आदि आदि की वो करते हैं कलयुग में उनका नाम कई गरीब को निर्वाह करते हैं। नाम अनेक
गरीब नवाजे नाम अनेक गरीब गई बहोरी गरीब नवाजे गई बहोरी गरीब नवाजे सरल सब सरल सब प्रभु का नाम कलयुग में कई गरीबों का निर्वाह करता है। नाम से निर्वाह होता है। क्षेम कुशल योग क्षेम दोनों नाम से होता है। एक कंपनी का नाम दूसरी कंपनी लेती है ना, नाम खाली टाइटल ले लेना, करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं, पर नाम से कंपनी कहां से कहां पहुंच जाती है। एक लोगो खरीदने में करोड़ों रुपया देने पड़ते हैं। जिसके पास हरि नाम आ जाए करोड़ों की जिंदगी बन जाती है साहब। नाम गरीब अनेक नवाज। और तुलसी की व्यापकता और चैतसिक विशालता का अनुभव करे मानस में। इस आदमी ने राम नाम की वंदना की शुरुआत की, लेकिन ये नहीं कहा कि यही नाम में ये ताकत है। कहा नाम अनेक गरीब नवाज। कोई भी नाम लो, क्या फर्क पड़ता है। दुर्गा लो, कृष्ण लो, शिव लो, अरे अल्लाह तक लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन, अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन, अगर तू बस्ती में पलता है तो वीराने में कौन, अगर तू शम्मा में जलता है तो मालिक बता परवाने में कौन। तू ही तू है, तू स्वामी राम तीर्थ ने कभी अपनी बात शाही अलमस्ती में गाया था, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, मैं सुनता हूं हर वक्त तेरी कहानी, जिक्र तेरा ही हो रहा कुब कु है, गली गली में तेरे ही चर्चे। हाँ जकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जमान पर, सबको मालूम है और सबको, ये तो तुच्छ है साहब, जिक्र तेरा ही हो रहा कूब को है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो नाम की महिमा अतुलनीय है। भगवान राम को सेतु बनाना पड़ा। उनके नाम को सेतु नहीं बनाना पड़ता, भवसिंधु सुख जाता है। सेतु बनाने का परिश्रम ही नहीं, इतने बंदरों को काम पर लगाया तब सेतु बना। लेकिन नाम नाम लेत भवसिंधु सुखाही। और निमंत्रण देते हैं करहूं विचार सुजन मन माही। हे सज्जन लोग जरा सोचो तो, सतयुग था मेरे भाई बहन, तब लोग ध्यान करके प्रभु को पाते थे। प्रधान साधना का अंग ध्यान था। ध्यान प्रथम युग, मख विधि दूजे। त्रेतायुग में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उसका अनुभव किया करते थे। द्वापर में घंटों तक पूजन अर्चन करते थे और हरि का अनुभव करते हैं। कलयुग में केवल और केवल जो ध्यान से
यज्ञ से, घंटों तक पूजा पाठ से जो प्राप्ति होती है वो कलयुग में केवल नाम से प्राप्ति हो जाती है। मेरे भाई बहन, मेरी भी आपको करबद्ध प्रार्थना है कि ये बोलना बोलना तो ठीक है, बोले जाएंगे, जन्म जन्म बोलेंगे, लेकिन सार तो केवल हरि नाम है। इन सभी प्रवचनों का सार केवल और केवल सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। प्रभु का नाम नहीं कलि कर मन भगति विवे, नहीं कलि कर राम नाम अवलम्बन, राम नाम अवलम्बन। कलयुग में हम इतने ठीक से कर्म भी नहीं कर सकते तो विवेक को संभालना मुश्किल है, भक्ति भी खबर नहीं कितनी हो पाती है। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं केवल नाम अवलंबन, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी निताय गौर, निताय गौर, निताय गौर, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कलयुग में नाम की महिमा है। अब देहात में रहने वाले, मजदूरी करने वाले, बन बिहड़ में रहने वाले कहां ध्यान करें, कहां यज्ञ करें, कहां घंटों तक पूजा पाठ करें। केवल हरि नाम सबकी पूर्ति कर देता है, इसलिए हरि नाम प्रभु। और कोई भी नाम आपके दिल में जो नाम हो वो हरि का ही, यहां सब उन्हीं में ही समाया हुआ है, उसी का नाम। जो नाम ले रहा हो कोई भी नाम लेकर जपो, उंगली पर जपना हो जपो, माला पर जपना हो जपो, होठ हिले हिले न हिले न हिले, अंदर जिस तरह जो विधा आपको सहज हो हरि नाम का आश्रय करो। नाम छुड़वाने वाले बहुत से तर्क करेंगे कि गिन गिन कर नाम ले रहे हैं, गुनाह तो बिना गिने करते हैं, ऐसे लोगों की सुनना मत, नाम लो। और सभी महापुरुषों ने सब साधन करने के बाद यही एक सारभूत बातें कही हैं कि हारे को हरि नाम, केवल प्रभु का नाम। मैं भी व्यासपीठ से विनम्रता से कहना चाहूँगा, मेरे भाई बहन, परमात्मा का नाम, इससे आगे कोई साधना नहीं बचती है, इसलिए नाम, नाम की बड़ी महिमा है। जितना लिया जाए सम्यक भाव से लो। कभी एक ईसाई धर्म में कथा आती है ना कि एक मछुआ मछली पकड़ने के लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह में जाता है, अंधेरा था, तो सोचा कि सूरज की किरण निकले तब जाल फेंको। तो आध घंटा निकालना था तो बैठे बैठे करे भी क्या, तो एक कुछ पत्थर के टुकड़े का ढेर पड़ा था, तो बस खेल खेल में, जैसे आदमी अकेला बैठ नहीं सकता, अकेला बैठे तो कुछ किए बिना बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ करता रहता है, ये आदमी का स्वभाव, सबकी अपनी अपनी आदतें होती। कुर्सी पर बैठेगा तो पैर हिलाता रहेगा, कुछ करेगा, ये करेगा, कोई काम नहीं आता तो प्लान लेकर अपनी ही साइन करता रहेगा कागज पर, कुछ ना कुछ आदतें आदमी की बनी रहती। तो पत्थर के टुकड़े का ढेर था, तो इनमें से एक उठाया अंधेरे में और पानी में डाला,
तो धड़ाम से आवाज हुई, पानी उछला और उसको आनंद आया, ये अच्छी आवाज हो रही। फिर दूसरा उठाया, धड़ाम से आवाज हुई, आनंद आया, कुछ पानी के छींटे उठते हैं सुबह सुबह, एंजॉय करने लगा, आनंद करने लगा। आधे घंटे तक ये क्रिया चली और यहां सूरज की पहली किरण निकली और आखिरी पत्थर का टुकड़ा उठाया और जब डालने गया ही, ओ ये तो बड़ा मूल्यवान हीरा है, मैंने अंधेरे में ऐसे ही सब हीरे पानी में डाल दिए। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें, लेकिन भाग्यशाली है कि कम से कम सूरज की किरण निकली और एक हीरे को पहचान गया। जिंदगी भर की मछली मारने का, मछली पकड़ने का धंधा छूट गया, माला माल हो गया, सब फेंक कर जवेर की दुकान पर गया, हीरा बेचा, खबर नहीं बहुमूल्य हीरा इतना दाम मिला। मेरे भाई बहन, हम और आप भी सांस सांस के मूल्यवान हीरे को खबर नहीं अर्ली मॉर्निंग फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। लेकिन कोई सदगुरु की कृपा की एक किरण सुबह में हो जाए और आखिरी सांस भी जो मिल जाए, तो जाकर नाम मरत मुख आवा अधम हूं मुक्ति हो ही श्रुति का। 1 करोड़ नाम लो, उसकी महिमा है, लेकिन कोई एक नाम ले तो भी काफी। गुरु की कृपा के उसके उजाले में पहचान लिया जाए, जान लिया जाए। तो नाम का खूब, और ये हिंदुस्तान तो पहले से कोई भी मिला राम राम करता रहा, फिर अपने अपने संप्रदाय का शब्द आया, कोई कुछ कहे, सबको वंदन करो, बाकी हरि नाम, इससे आगे कोई साधना नहीं है। खूब सम्यक रूप से प्रभु का नाम जितना लिया जाए, और लोग कहते हैं भाव नहीं जगता नाम क्यों ले, तुलसी छूट देते हैं, भाई कुभाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसू, कैसे भी नाम लो सब छूट दे रखी है। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस कहो कहां नाम बड़ाई, कहो मध्य प्रदेश के गांव का नाम मैं नहीं दे रहा हूं। मध्य प्रदेश के गांव में मैं किसी कामवश गया, एक कार्यक्रम था तो गए। उस समय के तत्कालीन वहां के आदरणीय सीएम साहब वो मुझे मिले, मुझे कहे बापू आपने 1 साल पहले यहाँ कथा की तो अगल बगल में 50 किलोमीटर में हमने रोड बनवा दी। मैं तो स्तंभित रह गया कि मैंने इस प्रदेश में कथा की ही नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ एक प्रवचन के कारण, एक संत का वो था, और वो बता रहे थे हो भाव से कि हमने तुरंत पास कर दिया और अगल बगल में बापू की कथा हो रही है, तो बहुत बात चली। तब मैंने कहा कि सीएम साहब मेरी कथा तो यहाँ हुई ही नहीं। बोले मुरारी बापू की कथा थी, आप नहीं थे? मैंने कहा मैं नहीं था, तो कौन था? मैंने कहा होगा कोई। अब मैंने कहा कि जो भी आए हो रोड तो बन गए, प्रजा के लिए रोड तो बन। अब देखो एक व्यक्ति का नाम आप मैं तो ये मुझे कहना पड़ रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि किसी का नाम यूज कर लो, एक संसारी व्यक्ति का, एक जीव का नाम यूज कर लो तो 50 किलोमीटर में सड़क बन जाती है, तो हरि नाम का उपयोग कर लो तो 84 लाख योनि में राजपथ बन जाए। ये योनि योनि की डर क्यों रखे हम, राजपथ हो जाए साहब, कहीं से भी हरि नाम लेकर निकलो। एक जीव का नाम लेने से, अब कोई नाम रख दिया होगा और उसने सोचा कि यही मुरारी बापू है,
मुझे भी कहीं पूछते हैं आप असली मुरारी बापू के हमारे क्या नाम का बहुत ही ऊपर लोग उपयोग कर लेते हैं साहब बहुत हमारे गवर्नर साहब गुजरात के महामहिम नवल किशोर जी शर्मा जी एक फंक्शन में हम साथ थे तो मेरे कान पर ऐसी बात आई कि बापू आपका नाम लेकर गवर्नर से कई लोग तारीख ले आते हैं दो कमरे की कोई छोटा सा उद्घाटन हो तो भी जाकर के आपके नाम से और ये दे देते हैं कि बापू ने कहलवाया है तो ये शिकायत मेरे तक आई तो एक फंक्शन में हम साथ थे तो मैंने कहा कि महामहिम एक खुलासा करूं मेरे जानने में आया है कि कई लोग मेरा नाम लेकर आपके पास आते हैं और आप आदर के कारण उसको डेट दे देते हैं आपका समय मूल्यवान होता है इतना खर्चा होता है और वहाँ इतना कोई फंक्शन महत्वपूर्ण नहीं होता तो मैंने कहा कि मेरे नाम से कोई आए तो आप समय नहीं मुझे तो कोई काम पड़ेगा ही नहीं लेकिन यदि कुछ कहना होगा तो मैं खुद कहूँगा आपको मुझे कहे ये जो फंक्शन चल रहा है ना वो भी आपके नाम से ये बिल्कुल बनी घटना कि आपका वो कहने आए थे कि बापू का ही फंक्शन है बापू बिजी थे तो नहीं आ पाए हमको भेजे हैं अब वो ये आदर है व्यासपीठ के प्रति तुरंत समय दे दिया नाम का सिक्का ऐसा ही चलता है एक चाम सा सिक्का चल जाए तो हरि नाम का सिक्का कितना अद्भुत सिक्का नाम लो बाप बाकी तो बोलते रहे गाते रहे आप आनंद करें हम आनंद करें बाकी पूरी कथा का सार है हरि नाम इसलिए एक मिनट के लिए बीच में हरे रामा राम हरि बोल हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम हरे रामा राम सीताराम राम राम हरे रामा रामा राम 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 हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 भगवान राम स्वयं अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते जीव क्या करे ऐसी है प्रभु के नाम की महिमा नाम का खूब आश्रय करें फिर कथा का कुछ इतिहास कहा राम कथा के चार घाट बताएं
इन चार घाटों पर चार आचार्यों की बातें कही और कथा का आरंभ करते हुए तुलसी हम सबको तीर्थराज प्रयाग लिए चलते हैं। इलाहाबाद प्रयाग में जहाँ त्रिवेणी संगम है, याज्ञवल्क महाराज कुंभ में आए हैं, कुंभ पूरा हुआ, सब महात्मा विदा लेने लगे, तब भरद्वाज जी ने परम विवेकी याज्ञवल्क जी को प्रश्न किया कि भगवान आप मुझे बताइए राम कौन है, और ये राम कौन है उसी के जवाब के लिए याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाने लगते हैं कि आपने जो प्रश्न किया ऐसा ही प्रश्न एक बार भवानी ने किया था, और फिर शिव चरित्र से कथा का आरंभ होता है। कहनी है राम कथा लेकिन प्रारंभ हुआ शिव चरित्र से। गोस्वामी जी कहते हैं माठ एक बार त्रेता शंभु गए कुंभज ऋषिपाणि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिले एक बार के त्रेता युग में हे भरद्वाज जी शिव दक्ष कन्या सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं। प्रेम से कथा का गान कुंभज जी ने किया लेकिन सती ने सुना नहीं, बैठी जरूर लेकिन सुना नहीं। वो सोचने लगी कि घड़े से जिसका जन्म हुआ वो समंदर जैसी कथा क्या सुनाएगी, कौन कहाँ जन्मा है कौन क्या है वो मत देखो, वो कहता क्या है और कहाँ से कहता है वो देखो। हमारे अतुल साहब का एक शेर है कि तूने गजल सुनाई तो अतुल कुछ ने दाद दी, तूने गजल सुनाई तो अतुल कुछ ने दाद दी। कुछ लोग सोचते हैं कि ये लाता कहां से है, मगर दिल की कहानी वो सुनाता कहां से है, वो कौन है कहां से आता है ये मत पूछो। अपने दिल की कहानी कितनी अंतःकरण की गहराई से कह रहा है। सती ने ये नहीं सोचा। शंकर जी ने बड़े भाव से कथा सुनी, कथा पूरी हुई, भक्ति की बात कही। कुछ दिनों के बाद शिव जी ने विदा ली। त्रेतायुग तो था ही, जिस राम की कथा सुनी थी वही राम का चरित्र वर्तमान था। शिव जी अंतर्यामी सोचने लगे कि राम लीला कर रहे हैं, सीता का अपहरण हुआ है, दंडक वन में सीता की खोज में रो रहे हैं। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान ही मर्म सुई तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालच। प्रभु का दर्शन हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव की तरह श्रद्धा को साथ में रखकर विश्वास पूर्वक एक बार कोई कुंभज की या तो किसी भी वक्ता की कथा सुन ले तो कथा सुनकर अपने घर जाए, इससे पहले रास्ते में उसको हरि दर्शन हो ही जाए। ये रामायण का दस्तावेजी पुरावा है, किसी न किसी रूप में हो सकता है। हम समझ नहीं पाते, हरि बड़े कृपालु है, मेरी कथा सुनकर आ रहा है, घर जा रहा है, मैं एक झलक दे दूं किसी न किसी रूप में। लेकिन उस समय हमारी बुद्धि चातुर्य उसमें हमको दर्शन से वंचित रखते। शंकर पहचान गए, सती नहीं पहचान पाई। उसने तो तर्क किया कि ये रो रहा है, ये कोई ब्रह्म है, कौन है ये, शिव जी को पूछा।
शिव जी ने कहा, देवी जिसकी कथा कुंभज ने गाई, भक्ति मैंने जिसको दी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव प्रभु है जिसको इतने बड़े बड़े महापुरुष ध्याते हैं, गाते हैं। शिव जी ने बहुत समझाया, सती को समझ में नहीं आया। आखिर में सती राम की परीक्षा करने के लिए सीता का वेश बनाकर जाती है, राम से कैसे वो छिपी रहे, पकड़ी गई, भागती हैं वापस, चारों ओर राम ही राम दिखाई दिए। शिव जी के पास आकर कहती हैं, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। शिव जी ने ध्यान में देखा तो सती सीता बनकर गई, मुझसे छुपा रही है। बहुत समझाने के बाद भी सती मानी नहीं। भगवान शिव जी का चरित्र राम कथा समझने का प्रथम सोपान है। संसार में ज्यादा तो गृहस्थ ही तो जीते, पर गृहस्थ जीवन में शंकर की तरह जो जीना सीख ले, उसके घर में राम कथा निरंतर बहेगी। ये पहली भूमिका बताई हमने। कई बार कहा, फिर कहूं कि विषम परिस्थिति को विवेक से पी लेना, यही शंकर का विषपान है। केवल शिव ही विषपान कर, उसने तो एक बार किया, जीवों को कई बार विषपान करना पड़ता है। कोई भी परिस्थिति आए, अपने विवेक को उसको पी ले, ये विषपान है। भगवान शंकर सोचते हैं, सती ने सीता का वेश लिया, सीता तो मेरी मां लगती है, अब मैं सती से प्रीत करूं तो भक्ति पथ मिटे। मन में संकल्प किया, सती का ये शरीर होगा तब तक मेरा उनसे कोई नाता नहीं, संबंध नहीं। आकाशवाणी हुई, सती को आशंका हुई, बार बार शिव जी को पूछती है, लेकिन बरनत विविध पंथ इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। शिव जी कैलाश पहुंचे, अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके भवन के बाहर आसन लगाकर शिव जी बैठ गए समाधि में। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी समाधि में बैठ गए। सती 87,000 साल तक अकेली दुखी रही। 87,000 साल के बाद शिव जी समाधि से मुक्त होते हैं, सती सन्मुख जाती हैं, विधि विधि इतिहास कहते हैं। फिर दक्ष की कथा आती है, सती दक्ष के यज्ञ में जल जाती है और दूसरा जन्म हिमालय के घर पार्वती के रूप में लेती है। हिमालय के घर बेटी का जन्म हुआ, नारद जी आए, नामकरण किया, भवानी की महिमा गाई, आपकी बेटी तप करे ताकि उसको शिव मिले, ऐसा कहकर गए। माता पिता ने नारद के वचन को सगर्भ सहेतु समझ करके तप की बात कही। पार्वती ने बहुत तप किया। आकाशवाणी हुई, भवानी तुम्हें शंकर मिलेंगे, माता पिता बुलाएं तब घर चली जाना। यहां भगवान शंकर पार्वती के वियोग में दुखी रहे। यहां आकाशवाणी ने आशीर्वाद दे दिया, यहां शिव का नेम प्रेम देखकर भगवान प्रकट हुए और शिव जी को कहते हैं, महाराज हम आपसे एक वरदान मांगने आए हैं। क्या? कि जिस सती का आप त्याग चुके हैं, जिस सती को, वो पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। नारद को गुरु मानकर उसने कड़ी तपस्या की है, मैंने आशीर्वाद दे दिया है आकाशवाणी से कि आपको शिव मिलेंगे, इसलिए हे भोलेनाथ हिमाचल निमंत्रण दे, तब पार्वती का पानी ग्रहण करो। शिव जी ने कहा, महाराज मेरा व्रत है, वैसे तो प्रतिज्ञा ली है, लेकिन आप कहते हो, कई लोग हैं ना हमसे कई श्रेष्ठ लोग कहे ना तो भी कहे नहीं हमारा व्रत है, व्रत है, इसका मतलब है श्रेष्ठ छोटा है व्रत बड़ा है, सदगुरु छोटा हमारा नियम बड़ा। नहीं नहीं, कोई श्रेष्ठ कहे उस समय व्रत को इधर उधर करना व्रत की सफलता है। सिर भरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा।
लोग ऐसा करते हैं, गुरु का न मन। ये हमारे विट्ठलनाथ जी बाबा भगवान गोसाई जी के घर वैष्णव परिवार आए तो तीन दिन रहे, उत्सव था वैष्णव संप्रदाय का। तो वैष्णवों ने विदाई ली तो आचार्य चरण ने कहा रुक जाओ ना दो दिन और। नहीं नहीं बाबा जी, बस अब तो जाना ही, बहुत आनंद आया, सत्संग सामीप्य क्या क्या नहीं मिला, बड़ा आनंद आया, बस अब तो जाए। दूसरी बार सदगुरु ने कहा रुक जाओ ना, क्या नहीं नहीं बस बाबा अब तो जाना जरूरी है। बस तीन बार कहा नहीं माने, बनी घटना, निकल गए। अब जैसे थोड़े आगे गए तो एक गधा बीच में से रास्ते में गुजरा, गधा तो अपशुकन माना, लौट आए। आचार्य चरण ने पूछा क्यों, बोले बाबा जा रहे थे बीच में से गधा गुजरा तो सोचा कि अब न जाए। तो आचार्य बोले गधे की माननी है गुरु की नहीं माननी है। गधे की, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, पूछा कि गधे को बुखार आए तो ताव कैसे नापो, बोले मुंह खोल। फिर एक बार वाइट बॉल। सदगुरु जो कहे उसमें व्रत की, सच्चा सदगुरु कोई व्रत व्रत तोड़ाएगा नहीं, लेकिन कभी तुम्हारा अहंकार व्रत की जड़ता में कहीं चोटी पर न पहुंचाए। इसलिए क्योंकि कई लोग तो ऐसा मानते हैं हमारा गुरु कुछ नियम नियम नहीं पालते, हम तो उससे भी आगे नहीं, गुरु उपवास नहीं करते, हम तो हर उपवास करते, अक्कड़ हो जाते आदमी। व्यसन छोड़ने से भी, व्यसन छोड़ने चाहिए लेकिन व्यसन छोड़ने का अहंकार पहले छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी अहंकार कहीं जगह न ले ले, ये बहुत महत्व का। तो भगवान शंकर कितने व्यवहारु है, कहा कि ठीक है बाबा आप कहते तो शादी करेंगे, चलो कोई बात नहीं। कल हम एक झोंपड़ी में भिक्षा लेने गए तो हमने कहा चाय पीनी है, दूध बूध है, बोले बाबू गाय का नहीं है भैंस का है। मैंने कहा मंत्र जानते हैं, भैंस के दूध को गाय का दूध बना देते हैं। ऐसे विनोद किया हमने, गंगा जल डाल दो कर लो, अरे तेरा इतना भाव है व्रत वहां पूरा होगा साहब, इसमें इतनी जड़ता व्रत की भी नहीं होनी चाहिए। इनमें भी खास सदगुरुओं के पास जो आज्ञा दे वो हिस्से में। तो भगवान शंकर मान लेते हैं ब्याह करने की बात, मान लेते हैं चलो आप कहते हैं तो ब्याह जाए, इसमें क्या बात है यार। वरना एक बार ब्याह किया था अच्छे अनुभव नहीं रहे, और दूसरी बार समझदार आदमी साहस करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कहा कि आप कहते हैं तुम कहो, जिन भेषा मेरा साई रिजे सोई भेष धरूंगी। मीरा ने कहा मेरा मालिक जिस भेष से राजी हो मैं वही से घुंघरू बांध लूंगी, मुझे मेरी खुशी नहीं, मेरे मेरा मालिक खुशी हो, मेरा ठाकुर राजी हो, इसीलिए राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यही तत् सुखे सुखित्वम की बात आती है, शिव जी हा कह देते हैं कि ब्याहेंगे, बस उसी में सप्तऋषि आते हैं, पार्वती की प्रेम परीक्षा करते हैं, और भगवान शंकर फिर पार्वती की याद में ध्यान में डूब जाते हैं। देवता लोग कामदेव को भेजते हैं, ईश की समाधि में काम ने क्षोभ किया, काम की शक्ति की महिमा देखो, भयेव ईश मन क्षोभ विशेष। तो भगवान शंकर ने काम को जलाकर भस्म किया, फिर काम को पुनः स्थापित किया, बिनु वप व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। और स्वार्थी देवता आ गए, बोले बाबा आपका ब्याह हमारी सबकी इच्छा है, तारकासुर मरे आप ब्याह हो तो आपका बेटा तारकासुर मारे, तारकासुर को मारे, आदि आदि स्वार्थ की बातें कही। शंकर जी ने कहा आप कहो और मैं ब्याहूँ ऐसी बात नहीं, मेरे मालिक ने कहा इसलिए ब्याहूँ। तो शिव जी ने हाँ कह दी कि चलो शादी कर, कितने खेल खेल में जीवन, करुणैव केली ही क्रीड़ा मात्र है शंकर। सबने कहा इतने योगी बाबा स्मशान में रहने वाला, सबने कहा कि शादी करो, तो बोले सब शादी, चलो शादी करो, कितने सहज है। और भगवान शंकर की बारात की तैयारी शुरू हुई, कुछ समय लगेगा तैयारी को करने में, कल तक का समय तो लगेगा ही लगेगा।
इसीलिए भगवान शिव, आज मुझे ब्याहना था उसको, लेकिन आज मुझे जगह दर्शन करने जाना है, वहाँ शायद पट बंद हो जाए, इसलिए वैसे समय भी हो गया, 5-7 मिनट और ज़्यादा हो चुकी है। तो कल भगवान शिव का ब्याह कराएंगे, और श्रद्धा और विश्वास, कभी ब्याह लेना तभी ही राम का जन्म होता है साहब, बिना श्रद्धा विश्वास या व्याम विना न पश्यन्ति, उसके बिना तो अंतःकरण का सुख मिलता ही नहीं। तो कल ब्याह और भगवान राम का प्रागट्य, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। आज की कथा को यहीं ही विराम दिया जा रहा है भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे पवन तनय संकट भरण मंगल मूरति राम लखन सीता सहित बोलिए हनुमान जी महाराज। आज की कथा यहाँ विराम ले रही है, कल सुबह 10 बजे फिर भगवत चर्चा। भाव से बोलिए राम चंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान सदगुरु भगवान ओ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज की जय। आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुखदन आदि शेष शारद भरणि पवन सुत कीर्ति आरती श्री रामायण जी गावत वेद सब ग्रंथन को रस संतन को सर्व सारंश सम्मत आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि आरती श्री रामायण परिमल हरि सरस की शुभ जस बाल मुक्ति जुगती की दलन रोग भव तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री राम कीरति कलित ललित सिय आरती श्री राम।